सत्यनारायण। चीख क्यों रही हो सासू माँ? मेरी बीवी के पेट में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। तो ये झंडा यहाँ पर कौन बांधेगा? तेरे उस फरेबी नेता को बोल। ए, मेरे नेता को फरेबी बोला तो तुझे लटका दूंगा। बेवकूफ कहीं का। सत्यनारायण मंत्री जी आ चुके हैं। नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। इस इलाके में पार्टी के लिए जान लगा के काम कौन करता है? वो जो सामने से दौड़ के आ रहा है वही है सत्यनारायण। अरे वाह क्या बात है, अब आगे देखो क्या होता है। ए सत्यनारायण। अरे अरे क्या बात है, आओ। इस नाचीज को नाम से पुकारा। अरे उठो, मेरे पांव छूकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? आपको रूबरू देखना ही मेरी खुशकिस्मती है, ऊपर से आपने मुझे पहचान भी लिया। अब उठ भी जाओ। अरे सत्यनारायण क्या है? लगता है पेट में बच्चा घूम गया है। अरे बाप, कब से कह रही हूँ इसे हॉस्पिटल लेकर जा, पर तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। कब से इस नेता के तलवे चाटते हुए पड़ा है। मैं बोल देती हूँ, अगर इससे कुछ हुआ ना तो तेरे इस नेता को छोड़ूंगी नहीं। Hey, इस बेचारे की परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुनो, जल्दी मेरी गाड़ी से इसकी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। मेरी पार्टी से ज्यादा मेरी पार्टी के लोग मेरे लिए अहमियत रखते हैं। अरे लक्ष्मी सरस्वती जल्दी आओ, बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी। सत्यनारायण एक बेटा हुआ है। क्या तकदीर वाला है, तुम्हारा बेटा एक मंत्री की गाड़ी में पैदा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मेहरबानी है। खुश रहो। यहाँ इतने लोग क्यों जमा हो गए? परसों एमएलए साहब का इंतकाल हो गया था ना, इसलिए फिर से चुनाव रखा है। नेताजी जिसको आगे करेंगे वही एमएलए बनेगा। इतने लोगों को जमा करके मुझसे टिकट मांगोगे तो मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा। धमकी किसी और को देना। धमकी नहीं दे रहा हूँ, अगली बार किसी और को टिकट दिया ना तो तू गया। एक नेता के तौर पर सारे फैसले लेने का मुझे ही हक है। तुम, अरे तू कौन है? नेताजी मैं सत्यनारायण। कहाँ का सत्यनारायण? मेरा बेटा आपकी गाड़ी में पैदा हुआ था। विकाराबाद ना? हाँ साहब ये वही है, 10वीं क्लास में पूरे राज्य में अव्वल आया है। मिठाई लाया हूँ साहब। बनकर यहाँ मुझे टिकट नहीं मिल रही और तुझे मिठाई खिलानी है, फूट यहाँ से। जानता हूँ तू एक नंबर का मक्कार है। मैं जो भी फैसला लेता हूँ उसमें आवाम की ही भलाई होती है। सब झूठ, तू एक धोखेबाज इंसान है। बकवास बनकर वरना जबान खींच लूंगा। क्यों ना बोलूं, अगर मेरे अलावा किसी और को टिकट दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जात को खुश करने की आड़ में पार्टी को मत बेच, ऐसा है तो अपनी बीवी को बेच। तेरी इतनी जबान चलती है बेटिया। अरे सुनो सत्यनारायण। जी साहब। ये इल्जाम तो अपने सिर पर ले ले। पर क्यों? देख मेरी बात सुन सत्यनारायण, अगर सबको पता चल गया कि कातिल मैं हूँ तो मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे बिना सब लोग यतीम हो जाएंगे, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? लेकिन इसलिए ये इल्जाम तो अपने ऊपर ले ले। वो मुझे मारने आया था और मेरी हिफाजत करने के लिए तुमने उसका खून कर दिया, ऐसा सबको बोल देंगे। अब मान जाओ। इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। तुम्हारे खानदान की जिम्मेदारी मेरी। मेरे तुम पर काफी एहसान रहे हैं, आज तुम मुझ पर ये एहसान कर दो। पैर मत पड़िए, मैं ये इल्जाम अपने सर नहीं ले सकता। पापा आप हाँ कह दीजिए, पर इल्जाम मैं खुद पर लूंगा। आप ये इल्जाम मुझ पर लगा दीजिए, क्योंकि बच्चों को जेल में बड़ों जितनी सजा नहीं मिलती। और पापा वो एमएलए की कुर्सी आप ले लीजिए और फिर मुझे जेल से बरी करवा दीजिएगा। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ये आपकी गलती है, पर अगर हम दोनों गरीबी में ही मर जाते हैं तो वो आपके लिए मेरी गलती होगी पापा। तो कहिए आपने क्या तय किया, क्या आपको मंजूर है? जाइए सबको बता दीजिए आपने एमएलए की टिकट मेरे पापा को दी है। पापा आप भी जाइए। अब तक की खास खबर ये है कि डॉक्टर कुमार की बेटी के साथ साथ 3 बच्चियां और अगवा हो चुकी हैं।
उनकी घर वापसी कब होगी इसको लेकर माँ बाप भी बहुत फिक्रमंद हैं। आपको बता दें कि शहर में बच्चों के अगवा होने की तादाद भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या ये अगवा करने वाले लोग किसी बड़ी गैंग से हैं या फिर आतंकवादी हैं? इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। गायब हो गया वो। डालूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, सुनिए जी। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, बसंती। हाँ तो? मुझे और बिट्टू को किसी ने अगवा कर लिया है। तुम्हें अगवा कर लिया है मतलब? सुनो, तुम डरो मत, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, वो आकर तुम्हें बचा लेगा। मेरे साथ तो प्यार की कसमें खाई थी, तुम ही मेरी जाने तमन्ना हो। क्या हुआ उन बातों का? खुद की पत्नी को तो यहाँ से छुड़ा लोगे, मुझे आके कौन बचाएगा? अमृता जान, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अमृता, तो ये है वो चुड़ैल। मर गया मैं। दीदी, अब अगर दीदी बुलाया ना तो हलक से जबान खींच लूंगी तेरी। मामा, ये मेरी दूसरी माँ है, बहुत खूबसूरत है। भैया, ये तो छोटे की आवाज है। कौन हो तुम लोग? चेहरा देखने की हसरत नहीं है क्या? जरूर देखूंगा, क्या चाहिए वो बोल। तेरे यहाँ से छेड़ा का मास्टर सिग्नल ठीक आधे घंटे की दूरी पर है। थोड़ी दूरी पर बाईं तरफ रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, उसके सामने नीता किराना और जनरल स्टोर मिलेगा। उस दुकान में जा और 20 वाली पानी की बोतल लेकर आ। और हाँ, ठंडे पानी की। पानी की बोतल के लिए इतना बड़ा तमाशा? हाँ, और तूने जो चार बच्चों को अगवा किया है वो भी तेरे साथ होने चाहिए। उन्हें कहाँ उतारना है ये बाद में बताऊंगा। वो जैसे ही मुझे दिखा उसका कत्ल कर दूंगा भाई। आप फोन उठाइए। हाँ बोल। गौर से सुन, अगले स्टेशन पे बच्चों के साथ अकेले उतरना। अरे जल्दबाजी करके फायदा नहीं हो, दोनों को मार देगा। पहले मैं जाऊंगा, मेरे पीछे आना। ठीक है भाई, चलो चलो नीचे उतरो। अरे बोतल पे गुस्सा मत निकाल, इधर दे। तेरे, मेरी बीवी और बेटा कहाँ है? अरे उसी ट्रेन में तो रवाना किया। पुलिस ने गच्चीबोली स्टेशन से अगवा हुए बच्चों को बचा लिया है। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने ये घिनौना काम किया था। सारे बच्चे उनके माँ बाप के पास सुरक्षित हैं। पुलिस उन सबका शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने भी इन बच्चों को बचाकर उनकी मदद की। ध्रुवा, आज सिर्फ 15 सेकंड लगे। सच में? हाँ। क्या बात है, निकलते हैं। ओके बाय 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 बाय।
पुलिस ने अगवा किए हुए बच्चों की जान बचाई। इस खबर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। मेरी बेटी को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए पुलिस और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल हो गया ना ध्रुवा, मुझे उनके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें इस मकसद में कामयाबी मिली है। हाँ ध्रुवा, ऐसे काम करने में बहुत सुकून मिलता है यार। तुम थे तो मुमकिन हो पाया। सबने मिलकर काम किया इसलिए कामयाबी मिली। जब तक हमारी पोस्टिंग नहीं होती हम नेक काम जारी रखेंगे जिससे पूरा समाज सुधर जाए। हक और इंसाफ दिलाने के लिए ही हम सब पुलिस में शामिल हुए हैं। अच्छाई ही हमारी पहचान है। This nation will rise. एक खुशखबरी लाया हूँ। जानते हो ये क्या है? फार्मा इंडस्ट्री में आने वाली एक क्रांति। अपनी सरकार विदेशी कंपनी के साथ सौदा करके हिंदुस्तान में जेनेरिक दवाइयाँ लाने की सोच रही है। अगर ये सौदा हो जाता है तो 1000 रुपए की दवा सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं मरेगा, लेकिन गरीबों को लूटने वाली फार्मा कंपनीज का धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा और आने वाले सालों में सिर्फ जेनेरिक दवाइयों का ही बोलबाला होगा। तो कैसे लगी खुशखबरी? तालियां बजाइए। क्या हुआ, किसी को ये खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? मेरा तो खून खौल रहा है। अगर इन दवाइयों को आने से नहीं रोका ना तो हम सबको एक एक कटोरा लेके सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। इसे होने से रोकिए सर, वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। आपको ही मामले की तह तक जाना होगा। उसके लिए हमें ऊपर तक रिश्वत खिलानी होगी। पैसा निकालो, इतने सालों से गैर कानूनी काम करके जो पैसा कमाया है वो निकालो सारा, वरना अब तक जो कमाया है ना वो भी चला जाएगा और हम सब सड़क पे आ जाएंगे। अगर खुद को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो हमें इन जेनेरिक दवाइयों को आने से रोकना होगा। एक हादसे में मेरे करीबी दोस्त के बाबा गुजर गए, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गए। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं कहकर लाश को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया गया। उसका पूरा परिवार बहुत परेशान था। पुराने जमाने में यह नियम ठीक था क्योंकि उन दिनों में बिजली अक्सर चली जाया करती थी जिससे अंधेरे में पोस्टमार्टम करना मुमकिन नहीं होता, पर आज भी उसी नियम पर कायम है और ऐसे अंधाधुंध नियम कई सारे हैं। हमारी दुनिया आज चांद तारों तक पहुंच गई है लेकिन हम उन्हीं पुराने दखियानुसी नियमों पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उस हादसे ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया मैडम। तुम सही कह रहे हो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मैम। हाँ गौतम बोलो। हमें आवाम की सेवा करने का जज्बा ध्रुवा से मिला। एक बार उसने मुझसे कहा, जब मुंबई पर कसाब ने हमला किया उसकी उम्र 18 साल थी और जिसने दिल्ली में गैंग रेप किया उसकी उम्र 17। आमतौर पे हमारे देश में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बहुत ही कम उम्र में चोर या आतंकवादी बन जाते हैं। किसी इंसान को गुनहगार बनने में या फिर जुर्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और एक अच्छा आदमी नेक काम करने के लिए ना ही वक्त का मोहताज होता है और ना ही बहाने का। ध्रुवा की ये सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। ये कहता है कि नेक इंसान का हर पल अच्छा होना चाहिए, इसलिए ध्रुवा ने तोहफे में ये दी है, इस घड़ी की हर टिक टिक ध्रुवा के लफ्जों की याद दिलाती है और यही वजह है कि ये घड़ी मैं खुद से जुदा नहीं करता। खामोश रहिए। कोई और है जो अपना तजुर्बा बताना चाहेगा तो वो यहाँ पर बता सकता है। मुझे पता है तुम लोग दीवार बांध कर कहीं जाते हो। आज रात तक ध्रुवा बाग होटल में आना चाहिए। ये मैसेज हमें कौन भेज सकता है मालूम करना पड़ेगा। अगले 10 दिनों में पोस्टिंग है,
अगर बड़े अफसरों को इस बात की मालूमात हुई तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। किसी गुनहगार से निपटना मुश्किल नहीं है, पर एक बड़े अफसर ने कुछ पूछ लिया तो हम सब क्या जवाब देंगे? इस नेक काम की जो शुरुआत की है उसे बीच में ही छोड़ दें। नहीं, ये काम बंद करने के लिए शुरू नहीं किया था। उसका इरादा जानना है तो हमें उससे एक बार मिलना ही होगा। ये यहाँ? ध्रुवा, ध्रुवा जरा सुनो। अब तक मुझसे खफा हो, अब माफ भी कर दो मुझे। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। समझ नहीं आ रहा क्या बात है। मुझे भी उसी ने मैसेज भेजा था। हाँ, उसी ने भेजा था। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? जाओ उसी से पूछ लो। अरे सुनो तो, मेरे पापा की तरह मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए इम्तिहान पास करके मैं ट्रेनिंग के लिए मसूरी आ गई। और वहीं मैंने पहली बार ध्रुवा को देखा। ये! अरे आप शहजादा, मेरे ख्वाबों का शहजादा। हाय। सुनो जरा बस रोको। बस को रुकवाओ क्यों? तुम अंदर आ रहे हो क्या? क्या इतनी सुंदर लगी कि मेरा पीछा कर रहे हो? अगर पीछा करना छोड़ा नहीं ना तो पूछी। फरमाइए। तुम्हें इससे शादी करनी होगी। मैं तैयार हूँ। ये। ये तो आ भी गए। दो मिनट। ये अभी शादी करेगा क्या? नेकी और पूछ पूछ। कबूल है कबूल है। अरे तीसरी बार बोलने भी। ये बस उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए रुकवाई है। बकवास मत करो, कभी तो सच बोलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मतलब मेरा ये ख्वाब सच हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। अरे तो सच बताओ। सच है वही सुनना है। अरे आप क्या करोगी? ये सच में शादी करने आया है। अरे इसे कुछ भी बोल के झांसा देते हैं। देखो 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 देखो, अभी ना मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती, वरना ना ये बाल विवाह हो जाएगा। अरे रे 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 रे, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ? कुछ भी पास मत कर। हम सब कौन है पता है? आईपीएस ट्रेनी। हाँ। मैं कोई तालीम नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस मस्ती के लिए आई थी। ए चुप, बाहर निकल जाओ वरना पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ईशिका, मैं हूँ सुब्रमण्यम जी। वो मेरे पापा है। तुम्हारे घर की चाबी, सर थोड़े मशरूफ है इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये चाबी देने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। पापा से मेरी शिकायत तो नहीं करोगे ना? आईपीएस क्लियर करके इस मुकाम तक पहुँची हो, तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी। और अब वक्त मिला है तो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो, इसमें गलत क्या है? रिलैक्स। हमारी पहली मुलाकात बहुत ही अजीब थी, फिर भी उसने मेरे बारे में कोई राय नहीं बनाई और उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया। हम सबको वही सिखाने वाला है, ये सोचकर ही मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद मैंने ध्रुवा का एक अलग ही रूप देखा। बीच में से हटो, यहाँ रेस चल रही है, रास्ता छोड़ो। मुझे लिफ्ट मिलेगी? बात को समझो। मुझे डबल सीट बैठना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज। ठीक है। क्या बात है, नई दोस्त कब बनाई? अरे यार रेस पर ध्यान दो ना।
ओए ध्रुवा, गर्लफ्रेंड है क्या? कितना सुकून है यहाँ। पंछियों की मधुर आवाज के साथ मुझे एक और आवाज सुनाई दे रही थी, और वो थी उसके दिल की धड़कन। और मैं बस चाहती थी कि हम दोनों के दिल की धड़कनें एक हो जाए। रेस की वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और मुझे खुशी मिली उसके साथ रहने से। और वो हसीन पल मैं कभी नहीं भुलाना चाहती। नाइन फाउंडेशन डे पर मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा ये देश सुरक्षित है आप सबकी कड़ी मेहनत की वजह से। यकीनन ये देश राजनेता ही चलाते हैं, पर देश की धड़कन आप ही हैं। इस साल जो सिविल सर्विस में अव्वल आया है उस शख्स का नाम है मिस्टर ध्रुवा। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर। इशिका। हाँ पापा। ध्रुवा ये है मेरी बेटी इशिका। हाय। जानता हूँ सर। जानते हो, पहले मुलाकात हुई है? नहीं, पर ये बहुत काबिल है। वो सब तो ठीक है, इसके अलावा क्या जानते हो? इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, एक भी गलत आदत नहीं है इसे। ओह। और क्या तारीफ। अरे क्या पापा, आप पुरानी बातें लेकर बैठे। सुना तुमने? जी सर, बहुत शरीफ लड़की है। सही कहा पापा, वो आपको। और कुछ बताइए ना सर। शादी के बारे में इससे मशवरा किया, अगर कोई लड़का पसंद है तो बता दो। पता है इसने क्या जवाब दिया? क्या सर? पापा मैं आप ही की बेटी हूँ, आप जो लड़का मेरे लिए चुनेंगे उसी के साथ शादी करूँगी। अब हकीकत बताइए ना सर। बहुत समझदार लगते हो, इसकी जो भी तारीफ की है उससे बिल्कुल उल्टा समझो। हाय। हेलो। नजारा अच्छा है ना? मेरे रुकने से दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैकिंग पर जाना कैंसिल कर दिया है क्या? मौसम खराब है इसलिए एक हफ्ते बाद करेंगे। ध्रुवा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, बहुत सारे लड़के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कहूँ, जब से तुमको जाना है तो। ध्रुवा, तुम हमेशा सबके मन की बात जान जाते हो, तो फिर तुमने अब तक मेरा मन क्यों नहीं पढ़ा? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ध्रुवा। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही अजीब ढंग से प्रपोज किया है, लेकिन मेरे लफ्जों पर नहीं जज्बातों पर ध्यान देना, ठीक है? इतना कुछ कहा है, कुछ तो बोलो। तुमने अपने दिल की बात इतनी आसानी से कही कि मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। प्यार, उससे बढ़कर कोई एहसास नहीं है। मैं प्यार की अहमियत समझता हूं, पर मैं फिलहाल किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। मैं इस सब से दूर ही रहना चाहता हूं। असल में मैं इसके काबिल हूं ही नहीं। मेरी जिंदगी का कुछ और ही मकसद है, मेरी मंजिल कुछ और है। मुझे तुम पसंद हो, इसीलिए मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। प्लीज हमेशा ऐसी ही रहना। देखो, मुझे इस प्यार के जाल में उलझाओ मत, ये मुझसे नहीं होगा। प्यार मेरे बस की बात नहीं है, भूल जाओ मुझे। ध्रुवा, चलो। चलता, बाय। उसने जो कहा मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए फैसला किया उससे दूर रहने का।
लेकिन दूर होके भी मैं कभी उसे भुला नहीं पाई। पापा को बुरा लगा जब मैंने आईपीएस की पढ़ाई छोड़ दी और फार्मासिस्ट बनने का सोचा। आओ, चाय नहीं पीनी है? हम कबाब में हड्डी क्यों बने? ओए, क्या कबाब में हड्डी? तुम्हें जो खिचड़ी पकानी है पकाओ, लेकिन हम सब इस वक्त बाहर हैं। ये हमारे आला अफसरों को पता चला तो वाह वाह, क्या बात है यार, दोस्त होते हैं ऐसे। ओह, निकलते हैं, चलो। एक ही सीट है, लगता है अब तक कोई मिली नहीं है, खड़ूस कहीं का। इशिका, तुम यहाँ क्यों आई? और ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस दिन जो तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना, मैं सहन नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से मैंने जम कर सिर्फ पढ़ाई की, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। कॉलेज वालों ने तो गले में मेडल भी टांग दिया। इससे पापा इतने खुश हो गए कि कहा, ये ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसका शुक्रिया अदा कर दो, इसीलिए यहाँ आ गई। कभी तो सच बोला करो। तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब क्या जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? कहा था ना, भूल जा। अब क्यों भला? चाय बड़ी लजीज है, बिस्किट मिल जाते तो मजा आ जाता। थोड़ी भूख भी लगी है। सारी दवाइयाँ देख ली है। हाँ तो एक बार फिर से देख लो, इसमें दिक्कत क्या है? वो बात तो सही है। भाई, बहुत तगड़ी पार्टी लगती है। पैसे देने से पहले जरा एक बार बिल तो देख। क्या करूँ आपका, किसी को भी भरोसा नहीं है। अरे भाई, कोई मेरे पति को बचाओ, अरे मेरे पति की जान बचाओ, मत मारो उन्हें, मत मारो। नहीं रहे, ये जिंदा से नहीं चल रही है। इज नो मोर। इशिका, इन्हें यहीं पास के अस्पताल में लेकर जा, जल्दी करो, जाओ। चलिए भैया। ये देख, इसी कागज में से उन्होंने हथियार निकाला। ध्रुवा, करण का फोन है, वो उसकी आंखों में धूल झोंक के भाग गए। मुझे तो करण, गौर से सुनो, मैंने एक चेन स्नैचर के सर पर फोन फेंक कर मारा जो उसकी हुडी में गिरा। तुम अपने फोन पर फाइंड माय फ्रेंड ऐप ओपन करो और मेरे फोन की लोकेशन को ट्रैक करो। हां, लोकेशन दिख रहा है, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो गोलकोंडा की तरफ मुड़ रहा है, चल। हां, ए जरा पीछे घूम, ये फोन तेरे पास कैसे? जब मैं सोना चोरी करके भाग रहा था तब मेरे सर पे लगा ये। कोई ये शिका फोन कर रही है। अरे घूर क्या रहा है, फोन काट दे। अरे सिग्नल चला गया। ध्रुवा, आखिरी लोकेशन यहीं का दिख रहा है। गोलकोंडा फोर्ट के पास एक बिलाल बिरयानी सेंटर है। कौन से दरवाजे के पास? पश्चिम दरवाजा। ठीक है, हम पूर्व दरवाजे के पास मिलते हैं। ठीक है। बॉयज, ये गोलकोंडा किले के बीच में बसी कॉलोनी है। अंदर दाखिल होने के चार गेट हैं। कॉलोनी में भूल भुलैया जैसी गलियां और चौराहे हैं। वो यकीनन यहीं कहीं छुपे हैं। हम उन्हें चारों तरफ से घेरेंगे तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। लेट्स गो। ध्रुवा, वैसा ही एक और पोस्टर मिला है, लगता है वो कहीं आसपास ही है। चलो बाद में मिलते हैं। हो गया।
की जान इतनी मामूली। गुड जॉब गाइस, बहुत खूब अच्छा काम किया। मैं गुनाह कबूल करता हूँ, विजयनगर में होने वाली चोरियों के पीछे मेरा ही हाथ है। आज भी हमारे काम को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन हमें एक की हत्या करनी पड़ी। बोलो इशिका। फोन बंद क्यों था तुम्हारा? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आंटी ठीक तो है ना? उस हादसे को याद करके बहुत रो रही थी, कुछ देर पहले ही सोई है वो। आ रहे हो ना यहाँ? हाँ मिलकर बात करते हैं। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अकड़ू कहीं का। ये किसका घर? अरे फिकर मत करो, ये मेरे खास दोस्त का घर है। सबसे पहले दाहिना पैर। अरे यही तो है। अबे गधे क्यों उलझन में डाल रहा है जिज्जू को? कुछ नहीं होगा, कूद के आ जाओ। इसे यहाँ कौन लाया? सिर्फ ताकत ही नहीं, कभी कभी भेजे से भी काम लिया करो। अपना चलो वो भी दिखाओ। चलिए ना, आपकी का इंतजार है। तुम अरे मजाक भी नहीं समझते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त? हाँ। ओ हेलो मैडम, कहाँ हो? ओ वक्त मिल गया तुम्हें, आओ आओ, तुम मिलो मेरे आशिक से। इसकी कितनी भी कुटाई कर लो ये हंसता ही रहता है। जब भी मेरा पारा चढ़ जाता है ना, खंजर निकालती हूँ, घुसेड़ देती हूँ। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ ना, तो इस पुतले की जगह तुम होगे। मुझे क्यों लेकर आए तुम दोनों में सुलह करवाने के लिए? इसे मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं इससे दूर रही, पर अब मुझसे नहीं होता इसीलिए यहाँ आ गई। अरे यहाँ आई तो मैंने देखा कि तुम लोग रोज दीवार फांद के कहीं जा रहे हो, और ये महाशय किसी से मिलने चले गए, वो भी अकेले। अकेला कैसे? उसके साथ हम भी तो होते हैं ना। इतनी हैरानी वाली क्या बात है? ये अकेले किसी से मिलता है ये बात मालूम नहीं थी क्या? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो असलियत क्या है इससे ही पूछ लो। क्यों, इसने जो फरमाया वो सच है? बोलो ध्रुवा, तुम ऐसे छुप छुप कर कहां जाते हो? तेरी चुप्पी से पता चल रहा है कि ये सच बोल रही है। क्यों, क्या मेरी कोई खास वजह नहीं हो सकती है? खास बातें सबको नहीं बताई जाती। अब ध्रुवा होम मिनिस्टर ने नया घर बनवाया है, जाकर देखो, सुरक्षा का इंतजाम करो। ठीक है सर। सिपाही सलामी देंगे, सलामी दे। क्यों बुला? जानबूझकर अनजान बन रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? चार दिन पहले नजरों के सामने उसी ने तो उसका कत्ल किया था। कितनी मुश्किल से उस दरिंदे को पकड़ा था, जो हाथ सलामी के लिए उठते हैं उसी से मुंह छुपाया। अरे तेरी नजरों के सामने इतना कुछ हो गया और तू चुप है, कुछ कहता क्यों नहीं? तुझे हो क्या गया है? कहो ईशिका। मैं जा रहा हूं, तुम लोग चलोगे
ये क्या खेल लगा रखा है? कान खोल के सुन ले, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। हाँ ध्रुवा, जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। रामस्वामी की बीवी जो अस्पताल में थी, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? मेरी नजरों के सामने मेरे पति का कत्ल कर दिया। जज ने भी मेरी गवाही अनसुनी कर दी। उस वक्त उसने हेलमेट पहना हुआ था, तो कैसे कह सकती हो कि इसी ने तुम्हारे पति को मारा है और केस रफा दफा कर दिया। मैं चीख चीख के जज को और वकील को मेरी सच्चाई बयां कर रही थी, पर किसी ने नहीं सुना। अब मैं जी के क्या करूंगी, इसीलिए खुद को खत्म करना चाहती थी। एक सीधे केस में सबूतों के साथ केस सुलझाने में 40 साल लग जाते हैं, और वो नकली सबूतों और गवाहों की मदद से 4 दिन में बाहर आ गया। कितनी कोशिश की फिर भी हम उस औरत को इंसाफ नहीं दिला पाए। क्या यार, अब भी खामोश है? तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? जब हम सबने पूछा कि तू अकेले कहां जा रहा है तब भी चुप था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू पत्थर की मूरत बना हुआ है, तेरा दिमाग तो ठिकाने है। बिल्कुल सही कह रहे हो, दिमाग खराब है मेरा। तुम जो कुछ भी कह रहे थे उसे नजरअंदाज करके तुम्हारे पीछे चल रहा घिनौना तमाशा देख रहा हूं मैं, और इसीलिए पागल लग रहा हूं। वो देखो, कुछ देर पहले ही उसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को कुचला था, फिर उसी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, और अब उसके इलाज के लिए पैसे भी दे रहा है। वो अपने किए पर पछता रहा है ऐसा तुम सोचते हो, वो बस खुद को बचाने के लिए रिश्वत दे रहा है। पर मेरे इस नजरिए से कोई नहीं देखता। हमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से एक को खुलेआम घूमता देख तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारा खून खौल गया। जबकि हकीकत तो यह है कि आज तक हमने जितने लोगों को पकड़ा है वो सब कब के छूट गए हैं। मतलब अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसका फायदा नहीं हुआ? हमारी मेहनत मैं जाया नहीं होने दूंगा। यह है मेरी दुनिया, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारे चरित्र का पता चलता है, ये क्या है? ऐसा तो हम अक्सर अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं। बेशक, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी शख्सियत का पता चलता है, और तुम्हारे दुश्मन कौन है इससे तुम्हारी ताकत का पता चलता है। कुछ दिन पहले इसी ने रामस्वामी का कत्ल किया था, जो इंसाफ के लिए लड़ने वाले समाज सेवक थे। उन्हें भला मामूली चेन के लिए कोई क्यों मारता? जब हमने उसे पकड़ा तब मुझे एक बात पता चली, ये सारा इरफान अली का किया कराया है। हम उस बदमाश को जितनी भी बार गिरफ्तार करेंगे वो उतनी बार रिहा हो जाएगा। होम मिनिस्टर के साथ मिलकर इरफान अली शहर के बाहर एक जमीन पर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन करना चाहता था। रामास्वामी उन गरीब लोगों को उनकी जमीन दिलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। इसीलिए इस कत्ल को चोरी का रूप देने का प्लान बनाया गया, और पुलिस को गुमराह करके पूरा केस रफा दफा कर दिया। अब बताओ मुझे, क्या हमारा दुश्मन ये है या वो? आज तक हमने मिलकर जितने भी मुजरिमों को पकड़वाया था, मैंने उनसे जुड़े 500 लोगों की खुद पूछताछ की, और ये है उसकी फुल डिटेल्ड एनालिसिस। किसी बड़े जुर्म को छुपाने के लिए किडनैपिंग, चेन स्नैचिंग, ऐसे छोटे जुर्म किए जाते हैं। तुम लोग जरा याद करो, कुछ दिन पहले हमने कुछ बच्चों को अगवा होने से बचाया था, उन्हें पैसों के लिए अगवा नहीं किया गया था। तुम लोगों ने यह खबर सुनी होगी, इंक्यूबेटर शॉर्ट सर्किट से एक अस्पताल में 18 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, पर उनकी मौत की असली वजह वो नहीं थी। पैदा होते ही बच्चों की तबीयत नासार हो जाती थी, इसलिए मैंने उनकी जांच करके उन्हें पोलियो ड्रॉप्स दिए। उस दिन भी उन बच्चों को मैंने वही दवाई दी थी, लेकिन कुछ वक्त बाद देखा तो उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मैं डर गई और मैंने ये बात मैनेजमेंट को बताई। ये सुनकर उन्होंने कहा कि किसी को कुछ मत बताना, और अगर किसी को कुछ बताया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। उन बच्चों को नर्स ने जो ड्रॉप्स दिए थे वो पोलियो के थे ही नहीं, उस दवाई की जांच ही नहीं हुई थी, और उस गलती से बलि चढ़ गए 18 मासूम बच्चे। अगर इस बात की भनक लोगों को लग जाती तो देश की सभी फार्मा कंपनियों का पर्दाफाश हो जाता, इसीलिए शॉर्ट सर्किट का गंदा खेल खेला गया। इस कांड के पीछे का सच डॉक्टर रमाकांत जानना चाहते थे, इसीलिए उनकी बच्ची को भी अगवा कर लिया गया। पर सिर्फ उनकी बच्ची को अगवा करते तो पुलिस को शक होता, इसीलिए उन्होंने 3 और लड़कियों को अगवा किया। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है धीरज चंद्रा। न जाने ऐसे कितने छोटे जुर्मों की चादर में घिनौने अपराध लिपटे हुए हैं। तुम्हारे मुताबिक हर जुर्म के पीछे एक शातिर गिरोह का हाथ है, ये कैसे साबित करोगे? आसानी से,
ये शातिर गुनहगार छोटे छोटे गुनाह करके अपने बड़े गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जुर्म और अपराध पर ध्यान देना आज से शुरू नहीं किया है। मैं 15 साल की उम्र से यह सब करता आया हूं। अखबारों में जो सुर्खियां छपती हैं लोग उसे सच मानते हैं, लेकिन मैं उस खबर के छपने के मकसद की तलाश करता हूं। यही करते करते एक दिन ध्यान गया कि दूसरे और छठे पन्ने पर छपी खबर में कनेक्शन है। दूसरे पन्ने पर ट्रक्स की हड़ताल है तो छठे पन्ने पर ट्रक्स से बढ़ते हादसों की खबर है। एक पन्ने पर पार्टी को बड़ा फंड मिलता है तो दूसरे पन्ने पर उनका कोई करीबी बाइज्जत बरी होता है। एक पर छापते हैं कि सोना आसमान छू रहा है तो दूसरे पर छापते हैं कि रुपया नीचे गिरता जा रहा है। किसी पन्ने पर कॉफी का कोई ब्रांड लॉन्च होता है तो अगले ही पन्ने पर कॉफी सेहत के लिए अच्छी क्यों है ये छाप दिया जाता है। हम असली खबर पर ध्यान ही नहीं देते। असली खबर होती है बिजनेस की सुर्खियां, और वही बाकी खबरों का फैसला करती है। कुछ बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए खबर छपवाते हैं और हम उस पर यकीन कर लेते हैं। हमें क्या पीना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें वो बिजनेसमैन ही तय करते हैं। अवाम की डोर होती है राजनेता के हाथ में, और उसी राजनेता को कठपुतली बनकर नचाता है एक बिजनेसमैन। ये जो 500 जुर्म किए गए हैं ना, ये भी किसी बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए हुए हैं। इन गुनाहों के पीछे सिर्फ 15 लोग हैं। छोटे गुनाह करने वाले 500 मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास 5000 पुलिस वाले तैनात हैं, लेकिन उन 15 लोगों पर शिकंजा कसने वाला एक भी नहीं है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं इन 15 मुजरिमों में से सबसे बड़े मुजरिम को कानून के हवाले करूंगा। वो बड़ी मछली हाथ आ गई तो छोटी मछलियां अपने आप फंस जाएंगी। मुझे उस बड़ी मछली की तलाश है जिससे मैं अपना दुश्मन बनाऊंगा। अब कुछ ही दिनों बाद हमारी पोस्टिंग होगी, उससे पहले मुझे इस दुश्मन को ढूंढना होगा। लेकिन तुम अपना दुश्मन चुनोगे कैसे? ये वो 15 करोड़पति है, इन सब ने बड़े बड़े जुर्म किए हैं और कानून को चकमा भी दे दिया। ये 3 सबसे बड़े मुजरिम हैं। 80% जुर्म इन्हीं की वजह से होते हैं। धीरज चंद्रा, फार्मा इंडस्ट्री के करप्शन का बेताज बादशाह, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सब इसी के इशारे पर चलते हैं। जयंत सूरी नेचुरल रिसोर्सेज की जबरन खुदाई करता है और उससे जो आमदनी होती है उससे खुद की तिजोरी भरता है। और यह है इरफान अली, गुंडे मवाली सप्लाई करना इसका पेशा है। दंगे, लूटमार, मर्डर, कब्जा, अगवा, ये सब इसके दायरे में आता है, लेकिन इनका भी कोई एक बाप है। मुझे उसे उसके बिल से निकालना है। वाह, बहुत ध्रुवा, कल भले ही पोस्टिंग के बाद हम सब जुदा क्यों ना हो जाएं, पर जिंदगी में कभी भी हमारी जरूरत हो तो एक आवाज लगाना, हम हाजिर हो जाएंगे। तो ध्रुवा, बता तेरे निशाने पे कौन कौन है? जयंत सूरी, इसे अपनी ग्रेनाइट खदान की जांच रुकवानी है और इसीलिए वो रिसोर्सेस मिनिस्टर से मिलने वाला है। एक बार इसकी जानकारी हाथ लगे फिर मैं फैसला करूंगा। तीनों एक साथ? अरे अरे अरे, पांव छूकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं। आओ। काफी अरसे बाद सर से हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ, तकरीबन 2 महीना तो हो ही गया होगा। दरअसल बात यह है कि वो मेरा बेटा है, पर उससे मेरी मुलाकात भी 2-2 महीने तक नहीं होती, फिर भी मैं शिकायत नहीं करता। We'll be right back.
नमस्कार सर। हाँ बेटा, एक मिनट, प्रीति का फोन उठा लूं, काफी वक्त से कॉल कर रही है। हाँ हाँ। हेलो। हेलो प्रीति, कैसे हो जान? एक जरूरी मीटिंग आ गई है, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। ओफो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। छोड़ो, जरा अंकल को फोन देना। हाँ बोलो बेटा। ये क्या अंकल, इस वक्त भी कोई मीटिंग रखता है, उसे सीधा घर भेजिए। हाँ हाँ बेटा, काम तो चलता ही रहेगा, उसे भेज देता हूँ। जाने मन, मैंने ही इन्हें बुलाया है, वक्त आने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी आना। बाय बाय जान। वो सही फरमा रही है, अपनी सेहत का ख्याल तो रखना चाहिए ना। वो मैं देख लूँ। हाँ तो बेटा मीटिंग शुरू करें। मुझे एक और काम याद आ गया, आप लोग बातें जारी रखो, ठीक है ना बेटा? हाँ तो मैं चलता हूँ। सर, 2 महीने से आप लैब में ही हैं। यहाँ क्यों आए हो? वैसे ये बात मैं आप तक लाना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरन लानी पड़ी। एंजेलिना इंडिया में आने की जिद कर रही है, मैंने बहुत समझाया पर उसका इरादा पक्का है। उससे मैं निपट लूंगा। सर, वो रामप्रसाद का मामला पुलिस के हाथों में लग गया है, हम उसमें फंस सकते हैं। वो मामला मैंने सुलझा लिया है, उधर देखो। तीन अक्टूबर की तारीख जहन में रखना और तैयार रहना, जब तक काम ना हो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, समझ गए? धीरज, मेरे साथ आओ। एंजेलिना को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी, कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है सर। अले, अले, ये तो खुशी से कैसे हो बरखुदार? ये है मेरा हुक्म कक्का, 18 बच्चों की कुर्बानी के बाद ये निकला है, यही होगा मेरा हीरो नंबर 1। इस बच्चे को ले जाकर उसके माँ बाप के पास छोड़ दो और उन्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। हर महीने इसकी जांच करो, देखो मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, और मुझे बताते रहना। बाय। ओके टाटा, खूब मजे करो। क्या कहा सर ने? 3 अक्टूबर की तारीख दी है, प्लान के मुताबिक ही चलना है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो सिद्धार्थ, अभिमन्यु ने विज्ञान के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का काम किया है और इसी वजह से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ऐसा क्या जरूरी काम था? मैंने अपना दुश्मन चुन लिया है। सिद्धार्थ अभिमन्यु? क्या, साइंटिस्ट सिद्धार्थ? जयन सूरी का पीछा करते हुए मुझे इनका सरगना मिल गया, जिसके हाथ में इन सब की डोर है। दुनिया के लिए वो साइंटिफिक जीनियस है, लेकिन हकीकत में वो एक खतरनाक मुजरिम है। इन तीनों के साथ हाथ मिलाकर वो जुर्म की दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। परसों जिस जश्न में सिद्धार्थ चीफ गेस्ट था, वहां सीएम बिन बुलाए चले आए। उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। जिस चेन स्नैचर को हमने गिरफ्तार किया, वो मुंह न खोले इसीलिए उसे मार दिया। उसकी छाती पर जाति का नाम गुदा, उसे खत्म किया, फिर विजयवाड़ा में लाश फेंक कर जाति के नाम पे दंगे करवाए। वहीं उसके कुछ गैर कानूनी साइट्स हैं, जिनका इंस्पेक्शन उस वजह से रुक गया, और इस तरह एक लाश को भी अपने फायदे के लिए उसने इस्तेमाल कर लिया। हम साइंटिस्ट रोज एक नई खोज करते हैं, पर कोई ये नहीं छापता। मालूम है हेडलाइंस कैसे बनती है? पता चला कि पुलिस को सड़क पर एक बिना सर की लाश मिली, अब सर ढूंढ कर तारीफें बटोरेंगे। दंगे भी खुद ने करवाए और अब स्टेज पर खड़े रहकर वाहवाही भी खुद लूट रहा है। 3 अक्टूबर उसके लिए बहुत खास दिन है, वो दिन मैं उसकी जिंदगी का यादगार दिन बना दूंगा।
वो जमाने के लिए सिद्धार्थ होगा, उसका असली नाम करण है और वो कैद में बाप के कहने पर गया जब वो मासूम बच्चा था। बाप ने कहा एक नंबर का गुंडा बनकर आना, ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने बाप से कहा कि तुम मेरी वजह से एमएलए बने हो, मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा, अच्छे कॉलेज में हमारा दाखिला करवाओ और सजा भी कम करवा दो। ध्रुवा, तुम्हारे जहन में सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं आता क्या? कल शपथ विधि है और परसों पोस्टिंग। अगर किसी वजह से सिद्धार्थ से मुलाकात ना हुई तो क्या करोगे? हमारी मुलाकात तो तय है, जुर्म वही होता है जहाँ पैसा होता है। मुझे जुर्म की तलाश रहती है और सिद्धार्थ पैसों के पीछे भागता है, और यही चीज हमारी मुलाकात का सबब बनेगी। बिल्कुल सही, दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? क्या कहा? कल हमारी शपथ विधि का खास मेहमान सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ अभिमन्यु। मैं स्वागत करता हूं हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु का। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। क्या नसीब है इसका, जो निशाने पे है वही खास मेहमान है आज। ध्रुवा, इसी को तकदीर कहते हैं। चुप। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर मौजूद सारे कैडेट्स और भाइयों और बहनों, और हाँ, हमारी बहादुर पुलिस फोर्स, मुझसे हमेशा पूछा जाता है इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी कैसे हासिल की, और इसका जवाब है मैंने जिंदगी में एक ही उसूल बनाया और उस पर कायम रहा, उस पर जान निछावर कर दी। ये बात भूलना मत। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अब मैं विनर्स के नामों का ऐलान करता हूँ। रंजीत आईपीएस, ये साइबर क्राइम सुलझाने में माहिर हैं। अब अगले हैं ध्रुवा। आईपीएस ध्रुवा को इनाम देंगे हमारे गृह मंत्री निरंजन साहब। इनको ये इनाम अपने सारे कामों को सही ढंग से अंजाम देने के लिए दिया जा रहा है। इनकी वजह से शहर में गुनाहों की तादाद कम हुई है। इन्हें मुबारकबाद। इसी तरह कामयाब रहो। ध्रुवा को एक और इनाम दिया जाता है, और ये इनाम है इनकी बेहतरीन कारगुजारी के लिए, और इनको ये इनाम दिया जाएगा हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु के हाथों। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आकर ये इनाम ध्रुवा को दें। ध्रुवा ने सारे खेलों में उम्दा परफॉर्मेंस किया है, साथ ही राइफल फायरिंग में भी। मुबारक हो। शुक्रिया सर। इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे हाथों में जचेगी। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं भी। खुशी पिस्तौल मिलने की नहीं, आपके हाथों मिलने की है। संभल कर इस्तेमाल करना। उसूल पर चलने में जिंदगी गुजर जाती है, मेरे लिए आप एक मिसाल हैं, और इसीलिए मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलने वाला हूं। क्या बात है। मैंने आप सबको इसलिए चुना है क्योंकि आप सब काबिल अफसर हैं। लोग ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुजरिम ढूंढते हैं, लेकिन मैं वो काम पहले ही कर चुका हूं, इसीलिए अब मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं आप पर कभी। जी जी साहब। 3 अक्टूबर को शहर में एक संगीन जुर्म होने वाला है, इसीलिए हमें सबसे पहले उसका पता लगाना है। ये तीनों शहर की जानी मानी हस्तियां भी हैं और शहर पे खतरा भी, इन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। इन तीनों के खिलाफ छोटे से छोटा सबूत भी ढूंढ निकालो। जी साहब। जी साहब। गो। कुछ नहीं जानते। कसम से मैं कुछ नहीं जानता। ये बात तो पक्की है सर, हवाला के जरिए उन तीनों का 300 करोड़ बाहर जा रहा है और तीनों मॉरिशस भी जा रहे हैं, मेरे पास इतनी ही खबर है। जानकारी के लिए बता दूं, वो तीनों अपने अकाउंट से 750 करोड़ मेरी मॉरिशस वाली ब्रांच में 3 अक्टूबर को डालने वाले हैं। शुक्रिया, जो जानकारी मांगी थी वो ये रही। साहब, उस दिन नवरात्रि और मोहर्रम दोनों हैं, और उसी दिन हमारे सीएम साहब फार्मास्यूटिकल कंपनी से मीटिंग करने वाले हैं। कंपनी का नाम क्या है? तीन अक्टूबर जहन में रखना। 3 अक्टूबर एंजेलिना इंडिया में आने की जिद कर रही है।
ये एंजेलिना है और 3 अक्टूबर को वो लोग इसे मारने वाले हैं। ये स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मा कंपनी की सीईओ है और 60% शेयर होल्डर भी। जेनरिक दवाई की डील के सिलसिले में वो इस वक्त इंडिया के लिए रवाना हो गई है। 3 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग सबकी जिंदगी बदल देगी। इस फाइल में सब डिटेल्स हैं। एंजेलिना के सिर्फ एक दस्तखत से इंडिया में जेनरिक दवाई आ सकती है। कोई भी फार्मा कंपनी वाले उसे रोक नहीं सकते। अगर ये हो जाएगा तो 2,50,000 की दवाई सिर्फ 8,000 में मिलेगी और 500 रुपए वाली दवाई सिर्फ 200 रुपए में मिलेगी। जेनरिक दवाई तो आनी चाहिए। ये सौदा फार्मा माफिया को मंजूर नहीं होगा और सिद्धार्थ इसे रोकने के लिए स्विट्जरलैंड पहुँच गया होगा। ₹1,350 करोड़, उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? मुझे तो अब तक भरोसा ही नहीं हो रहा कि K27 नाम की कैंसर मेडिसिन को यहाँ की फार्मा कंपनी ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। गरीब आवाम तक ये दवाई नहीं पहुँच रही है, बीमारी से उनकी जान जा रही है। इसलिए मैं इंडिया में जेनरिक दवाइयाँ लाना चाहती हूँ जिससे गरीबों को कम दाम में दवाई मिल सके। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? सिद्धार्थ, ये तो मेरी कंपनी का मेडिकल एडवाइजर। क्या ये आपकी कंपनी का एडवाइजर है? फिर तो जाहिर है आपकी कंपनी में इसके शेयर्स होंगे। उसके शेयर्स नहीं है, बल्कि वो तो मुझे मेरी कंपनी के 60% शेयर बेचने के लिए मजबूर कर रहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। That's it. 1,350 करोड़ स्विस बैंक में इसलिए ट्रांसफर किए ताकि तुम्हारे 60% शेयर्स हासिल करें। बहुत बड़ी साजिश है। मतलब आपकी कंपनी की डिसाइडिंग अथॉरिटी बनने के लिए आपको रास्ते से हटाएगा, फिर मार्कस के साथ मिलकर आपके शेयर्स खरीदेगा और जेनेरिक दवाइयां इंडिया में आने से रोक देगा। मानना पड़ेगा कमाल की प्लानिंग की है। फिक्र मत कीजिए, आप पर आंच भी नहीं आने दूंगा। शुक्रिया। कल हमें 2 कामों को अंजाम देना है। पहला, किसी भी हाल में 1,350 करोड़ स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए और ये तभी मुमकिन होगा जब इन तीनों को साथ में गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी बात, एंजेलिना की मीटिंग में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये सौदा किसी भी हाल में होना ही चाहिए। इन दवाइयों पर देश के गरीब लोगों का हक है। एस सिद्धार्थ अभिमन्यु, पहली बार वो हार का स्वाद चखेगा और वादा करता हूं मैं उसे ये स्वाद जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगा। देखो, हमने जो तय किया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। लोकेशन हम इशिका के गाड़ी के पीछे ही हैं। ओके। अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझसे मिलने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस सौदे में मेरा और आपका दोनों का फायदा है। जनाब, इरफान की गाड़ी मेरी नजरों के सामने है, शक की कोई बात नहीं है। उसके वहां रुकने की कोई ना कोई वजह होगी, नजर रखो। सुनो, सब अलर्ट रहना। ठीक है, समझ गए सर। सर, सामने से दुर्गा माता की सवारी आ रही है। क्या? पर उनका आने का रास्ता अलग था। यहाँ जरूर कोई साजिश रची गई है। ये रास्ता एंजेलिना को मारने के लिए ही बदला गया है।
गाड़ी से कोई मत उतरना। ठीक है सर। इशिका, 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 क्या हुआ? यही सोच रहे होगे ना कि तुम्हारी गोली मेरे सीने के आर पार हो गई होगी और मैं सीधा ऊपर चली गई होंगी। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलो अच्छा है, मतलब थोड़ी तो फिक्र है। एंजेलिना सही सलामत है, उसी होटल में ठहरा है जहां आपने कहा। गुड। इंडिया से कॉल है। तुम मेरी जान लेना चाहते हो? पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तेरी औकात दिखा दूंगी, मीटिंग होने दे। आखिर मेरी बात तो सुनो। हेलो, तुम्हारी वजह से ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे रास्ते से हटाना तुम्हारा काम था, तो अब तक वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ बताओ? मार्कस, मैंने कहा था ना कि काम हो जाएगा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। इस बार कोई गलती ना हो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या चल रहा है वहाँ? कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता, तीनों गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए? मुझे ये खबर पहले क्यों नहीं दी? अब इस सौदे को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? बस कितना चाहिए बताओ, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। जाइए, पहले उन तीनों को रिहा करवाइए। अब्बास। बोलिए सर। तुम्हारे भाई को जो काम सौंपा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। समझो काम हो गया। आगे से दाएं मोड़ना। तुम यहां से निकलो और सीधे थाने जाओ। ठीक है, मैं कॉल करूंगा तो आना। कहिए जनाब, कैसे याद किया? मुझे फौरन 1350 करोड़ चाहिए मंत्री जी। 1350 करोड़? दिमाग तो ठिकाने है आपका, और क्यों दें आपको? ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है, जो कहा गया है वो करो। किस खुशी में मैं दूं तुम्हें इतना पैसा? बैंक डिटेल्स मेल कर दिया है। मैं हरगिज नहीं दूंगा। और साथ में एक वीडियो भी भेजा है, गौर से देखिएगा फिर बोलिएगा। ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हमारी आज की इस जेनरिक दवाइयों की मुलाकात में। 20 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है, मुझे एंजेलिना को लाने के लिए कहा गया है। मैं उसे लेके आता हूँ। ठीक है। सर, चलो। सर, उन्होंने मेरे मोबाइल से स्विस कॉल किया। पर क्यों? ऐसी गलती क्यों की? अगर उसका कॉल ट्रेस हो जाता तो? माफ कर दीजिए। आओ। हेलो मैम। यहाँ पे जो भी हो रहा है विश्वास नहीं हो रहा।
आपका वो कॉल मुसीबत बन सकता है। गलती तो हुई है, पर अब क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या हुआ? सर, मैं ये फाइल लौटाने आया हूँ। शुक्रिया। एंजेलिना और ध्रुवा का काम तमाम। शाबाश। कहो अब्बास, क्या खबर है? एंजेलिना का कत्ल कर दिया है और एसीपी ध्रुवा को भी रास्ते से हटा। क्या बात है, मेरे इंडिया आने से पहले बाकी सब लोगों का भी किस्सा तमाम कर देना। सभी को नहीं सर, उन तीनों को गिरफ्तार करवाने वाला और एंजेलिना को बचाने वाला एक ही है। मुझे उसकी कुंडली चाहिए। शुक्रिया, जल्दी मिलेंगे। कम कीमत पर आवाम तक दवाइयां पहुंचाने की अच्छी खबर के साथ जेनेरिक दवाइयों को भारत देश में लाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए आई मिस एंजेलिना का खून कर दिया गया और इसका मुझे बहुत दुख है। पुलिस अभी भी खूनी का पता लगा रही है। कुछ वक्त के लिए ये जो जेनेरिक दवाइयों का मसौदा है उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो भी करना सोच समझ के करना और उस सिद्धार्थ से बच के रहना। अब बचने की जरूरत मुझे नहीं, सिद्धार्थ को है। गोली मुझे लगी है लेकिन जिंदगी उसकी बर्बाद हुई है। 20 साल से बिल में रहने वाले उस चूहे को मैंने 2 दिन में बाहर निकाला है। अब उसे मेरी हर चाल से बचना होगा। तुम्हें तो किसी की पड़ी नहीं है, पर कोई बाहर खड़ा है जिसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तो अच्छा भला हूं, तो फिर फिक्र क्यों? बुद्धू का इनका पता नहीं मेरे जज्बात कब समझेगा। नमस्ते साहब। लाओ मुझे चाबी दो। पता नहीं ये चाबियां क्यों ले रहा है, उम्मीद से पहले ही आ गया, अब गाड़ी भी खुद चला रहा है। इसके दिमाग में चल क्या रहा है? बेटे, वो धीरज चंद्रा और जैन सूरी को मैंने छुड़वा लिया है, उनके ऊपर से MRI भी हटवा दी। FIR? हाँ हाँ, वही वही आर तो है ना। ऐसे क्यों देख रहे हो? जो तुमने कहा वही किया ना। लंच किया था आपने? हजम भी हो गया। मैंने बोला था खाने के लिए। माफी चाहता हूँ। माफी क्यों? अब हर छोटे काम के लिए मुझसे पूछ के करेंगे क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमसे पूछे बिना मैं खुद कोई फैसला ले लूं तो गलती हो जाती है, इसीलिए पूछ लेता हूं कहीं कोई गलती ना हो जाए। तुम ही ने तो मेरे भेजे में ये बात डाली है। नंबर 1, जब भी बाहर निकलो तो अपना सर उठाकर और सीना तान कर चलो। नंबर 2, जब भी मुस्कुराने का मन करे तो मुंह ऐसा बनाओ जैसे कोई कड़वी दवाई पी हो और मुंह पर हमेशा ताला लगा रहे जिसकी चाबी तुम्हारे पास हो, ताकि अकलमंद लगूं। तुम्हारी तालीम की तामीर ही तो कर रहा हूं, अब और क्या करूं? मैं कोई कपड़ा नहीं हूं, इंसान हूं बेटा। कभी खुद की अकल भी इस्तेमाल कर लीजिए। है क्या? अरे नहीं है, तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें नहीं है, कहो तो शामिल कर लूं। बाबा, एक गधे की अकल भी आपसे ज्यादा है। हाँ, वो जो बोझ उठाता है। इज्जत संभालिए। हाँ। ये क्या बात हुई सर, पहले आप ही ने हमें काम दिया और फिर हमको गिरफ्तार भी करवा दिया। आज हम सब जेल में सड़ रहे होते, ये तो आपके बाबा के सूझबूझ से बाहर आ गए। वो तो आपने मुझे रोक दिया, वरना उस इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में ही खामोश कर देता। तुम लोग गिरफ्तार क्यों हुए जानते हो? नहीं मालूम सर। पता है हम स्विट्जरलैंड क्यों गए? मालूम नहीं। उसको पता है। ये जो तुम मेरे लिए काम करते हो तुम्हारा भाई अब्बास जानता है? नहीं सर। लेकिन वो जानता है, पहली बार किसी ने मेरे गिरेबान को छूने की जुर्रत की है। एक छोटे से फॉर्मूले को ईजाद करने के लिए मेरी पूरी जिंदगी लग गई।
और उसने चुटकियों में उस फॉर्मूले का पता लगा लिया। ऐसे शातिर इंसान को तुम इतनी आसानी से मारोगे? तू इधर क्या कर रहा है? मैंने बुलाया है इसे। उसका नाम ध्रुवा है, उसे किसी की जरूरत नहीं, अकेला ही काफी है। पुलिस की नौकरी ही उसका जुनून है। जैसे आपके पास ये लैब है वैसे ही उसके पास भी है। मेरे लिए एक मिसाल है, आज से मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलूंगा। क्या बात है। शुक्रिया सर। तक कई लोग मेरी जिंदगी का कांटा बने हैं और उन सबको बड़ी बेदर्दी से हमने एक एक करके पैरों तले कुचल दिया, लेकिन ये इंस्पेक्टर उन जैसा नहीं है। चलो अब आएगा खेल का मजा। मुझे खत्म करने के लिए उसने पूरी छानबीन की है। मेरे माँ बाप कौन है, मेरी पैदाइश कहाँ की है, मेरी पिछली जिंदगी, मेरी आने वाली जिंदगी, हर चीज में घुस चुका है कंबख्त। तो ये बात है, तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारे चरित्र का पता चलता है। पढ़ाई के अलावा मैं ये हुनर भी सीख चुका हूँ बाबा। आप रे, दुश्मन भी जाबाज है क्या? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे बेटा, उसकी फिक्र तुम मत करो, बस उसका नाम बता दो, उस इलाके के कॉर्पोरेटर को बोलकर उसके घर की बिजली और पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। बेटा, छोटे मोटे गुनाह में फंसा कर उसे तड़ीपार करवा दूंगा, पासपोर्ट कैंसिल करवा दूंगा, कहीं नहीं जा पाएगा। देखा कितना अकलमंद हूं मैं। कमाल हो बाबा, उसकी जिंदगी अब मेरे हाथ। एक और बार सर्जरी करना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जहाँ ऑपरेशन किया था उस जगह पर खून जम गया है, इसी वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, ये सर्जरी तुरंत हो जाएगी और कल मैं आपको छोड़ भी दूंगा। अगर नहीं की तो मुसीबत बढ़ जाएगी। करवा लो ना। ओके डॉक्टर। अरे क्या हुआ ध्रुवा? क्या बात है सिद्धार्थ? What? ये कैसे मुमकिन है? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर चलो और आराम करो। तो कमरे में यहाँ कोई नहीं आया है, चलो अंदर चलो, आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बाहर क्या कर रहे हैं? आप जाकर अंदर आराम कीजिए। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? चलो अंदर, चलो अंदर चल के आराम करो, आ जाओ। तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आ जाओ, आपको आराम की जरूरत है, अब शांति से सो जाओ। दवाई का नशा हो रहा है इसीलिए बोल रहे हो। मेरा यकीन करो, मैं पूरी होश में हूँ, पर यहाँ कोई नहीं था। मेरा यकीन करो, सिद्धार्थ यहाँ था और मैंने उसे देखा भी। डॉक्टर राम वर्मा, इसे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस कहते हैं। मुझे ये उसके शरीर में चाहिए। अब वो कुछ भी करे, मुझे उसके पल पल की खबर होगी, लाइव टेलीकास्ट की तरह मुझे सब कुछ सुनाई देगा। वो कहाँ है, किन से मिल रहा है, क्या मंसूबे हैं, मुझे सब कुछ सुनाई देगा। तुम्ही ने कहा था वो इंडिया में नहीं है, अगर वो आया होता तो तुम्हें खत्म किए बिना नहीं जाता। मैं उसकी सारी काली करतूतें जानता हूँ, फिर भी मैंने उसे नहीं मारा। ठीक उसी तरह मुझे भी जिंदा रखने के पीछे उसका कोई मकसद होगा। इशिका, मैं खुद से चला जाऊंगा। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो बैठो। चलो। गौतम शमशाबाद गया है जरूरी काम से, उसने कहा तुम्हें बताने के लिए। हाँ मुझे पता है। अच्छा वैसे तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करो, इतना तो कर ही सकती हो। तुम्हारे लिए आ गए, किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारे पापा तुम्हें मिलने आए हैं, जाओ मिल लो। प्लीज दो मिनट।
क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? शायद जख्म की वजह से। डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन तुम्हें ऐसे ही दर्द होगा। तुम आराम करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। नहीं शिका, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत। अब क्या हुआ? अरे उसे क्यों उतार रहे हो? एक जरूरी काम है, मुझे जाना। कैसी बात कर रहे हो, अभी ठीक भी नहीं हुए और काम पर जाना है? अगर जरूरी ना होता तो मैं नहीं जाता। जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। क्या काम है, जरा मैं भी तो जानू। मुझे सिद्धार्थ की जानकारी देने के लिए किसी ने फोन किया था। एक गुमशुदा लड़की का केस था जिसका शायद सिद्धार्थ से कोई ताल्लुक है, लेकिन हकीकत में वो गुमशुदा नहीं थी। उसका बलात्कार करके उसे मार दिया। तुम किसकी बात कर रहे हो? साइंटिस्ट अक्षरा। मुझे शक हुआ कि उस बलात्कार के पीछे जरूर कोई और वजह है, तो मैंने अक्षरा के बॉयफ्रेंड कमल से पूछताछ की। हाँ तो कमल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 4 लोगों ने, 4 दरिंदों ने बलात्कार करके मार दिया और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। फिर मुझे अस्पताल में उसने फोन किया। हाँ क्या हुआ कमल? माफ कीजिए सर, उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा, मैं डर गया था इसलिए आपको सच नहीं बताया। पर अब मैं आपको सच बताऊंगा, मैं अक्षरा से प्यार करता था, वो एक साइंटिस्ट थी और सिद्धार्थ के वहाँ काम करती थी। उन लोगों ने उसका बलात्कार करके उसे बेरहमी से मार दिया सर। मरने से पहले उसने मुझे एक एसडी कार्ड दिया था। उस कार्ड में सिद्धार्थ के सारे बुरे कामों का चिट्ठा है, वो सबूत मैं आपको दे दूंगा। उस सिद्धार्थ को सजा मिलनी चाहिए सर। देखो कमल, ये राज राज ही रखना, मैं जल्द ही तुमसे आकर मिलता हूँ। और इसीलिए अभी मुझे कमल से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाना होगा। बस एक बार वो एसडी कार्ड मेरे हाथ लग गया तो सिद्धार्थ को कोई नहीं बचा सकता। दुनिया आपके काम की बहुत तारीफ करती है सर, मेरा यकीन कीजिए सर, अगर ऐसी दवाई की खोज हमारे देश ने की तो दुनिया की सभी मेडिकल इंडस्ट्रीज के सामने हमारा दर्जा और ऊंचा हो जाएगा सर। इस काम से ढेरों पैसे इस देश में आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पैसे सिर्फ मेरे हों, बस इतना ही फर्क है। आप अपने ही देश के साथ बेईमानी करेंगे? बड़े ख्वाब देखने के लिए कोई चीज गलत नहीं होती। मुझसे कुछ नहीं छुपा, जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया में ना आ सके इसीलिए आप स्विस कंपनी के साथ सौदा कर रहे हैं, और आपका ये राज मैं एंजेलिना मैडम को जरूर बताऊंगी, आप नहीं बचेंगे। तुम गलती कर रही हो, मेरे ख्वाब के बीच में मत आओ वरना बहुत पछताओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पूरी दुनिया के सामने आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। ये आप ठीक नहीं कर रहे। लानत है, उसके मंसूबे जानने के लिए मैंने ट्रांसमीटर बिठाया, पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही है। इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं? सोचा था अक्षरा रास्ते से हट गई, उसकी कहानी खत्म, पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। कैसे चूक हो गई सिद्धार्थ? गलती और तुमसे? उसके पास मेरे खिलाफ पुख्ता सबूत है, और अगर वो सबूत इंस्पेक्टर के हाथ लग गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा। जो चाहे करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। एसडी कार्ड कहाँ है बताओ। हाय ध्रुवा, क्या हाल है? गौतम, तुम्हारी पोस्टिंग शमशाबाद में है ना? हाँ, क्या बात है? किसी बड़े केस में बिजी तो नहीं? एक मामूली सी चोरी का मामला है। ओके लिसन, कमल 25 मीडियम बिल्ड है, उसके पास एक एसडी कार्ड है जिसमें सिद्धार्थ के खिलाफ पुख्ता सबूत है। वो मुझे देने वाला था। एक्चुअली हमने शमशाबाद से 15 किलोमीटर दूर उसके सीएमआर कॉलेज में मिलने का फैसला किया था। अच्छा? लेकिन इस वक्त वो फोन नहीं उठा रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है, तुम मदद करोगे? हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए? अगर मैं उसके घर गया और वो यहाँ पहुँचा तो मुश्किल हो जाएगी। 24/56 स्टेट बैंक मथुरा नगर, ये उसका पता है, तुम्हें वहाँ जाकर उससे मिलना होगा। हाँ ओके, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। Call a bus. Abbas, वो इंस्पेक्टर वहां आ रहा है, उसके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। जी पुलिस आ रही है, जल्दी करो जल्दी करो। चीख चीख कर मेरा गला फट गया। एसडी कार्ड कहाँ है? बोल कहाँ छुपा के रखा है? कमल, कमल, Ugh!
सर, कमल ये ध्रुवा सर को दे देना, सबूत इसी में इनके हाथ नहीं लगना चाहिए सर। मेरे साथ सर। काट दूंगा इसको। हे ए, मुझे वो एसडी कार्ड दे। पहले छोड़ उसे। पहले वो एसडी कार्ड दे वरना ये जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हें एसडी कार्ड देता हूँ, छोड़ दो उसे। कार्ड मेरे हवाले कर। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसी गलती मत करो। मैंने कहा ना, दे रहा हूँ, छोड़ दो उसे। मेरी फिक्र मत कीजिए। पहले एसडी कार्ड दे, उसे जाने दो। ये एसडी कार्ड ले और छोड़ दो उसे। छोड़ दे, जल्दी दे। कमल, 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 हाँ कहो अब्बास। वो बच के निकल गया सर, एसडी कार्ड उसी के पास है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे पकड़ लूंगा। तेरे की ध्रुवा। हाँ बोलो गौतम, कमल मिला? एक मिनट रुक जाओ बस। माफ कर दे यार, कमल की जान नहीं बचा पाया। वहाँ हाथापाई हुई, उसने मुझे एसडी कार्ड दे दिया। तू इस वक्त कहाँ है? तुम अभी गच्ची बावली की तरफ निकल जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलता। अब्बास फौरन गच्ची बावली की तरफ जाओ, मैं वहीं आता हूँ। सोचा था तुमको यहां से 1 किलोमीटर दूर अपने केमिकल फैक्ट्री में ले जाकर डुबो डुबो कर मारूं। पर खैर ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है, और यहां पे पहली लाश मैं तुम्हारी गिराने वाला हूं। और मेरे कारनामों की लिस्ट में ये कारनामा 0.0001% है, समझा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई के पीछे इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत मेरे जुर्मों को छिपाने के लिए की है। मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है वो ध्रुवा। तेरा सर्वनाश है वो ध्रुवा, तुझे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए जो पैदा हुआ है उसका नाम है ध्रुवा। अपनी हालत तो देख, उसकी हालत मैं डिसाइड करूंगा। उसके तमाम चाहने वालों को खत्म कर दूंगा मैं, और उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो पागल होकर खुद अपनी जान दे देगा। हो ही नहीं सकता, तुझे जान से मार देने का जुनून उस पर हावी हो चुका है। अबे कान खोल के सुन ले, अब उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि तेरी मौत नजदीक आ रही है। मैं तुझे लिख कर देता हूँ, तेरी मौत नजदीक आ रही है। तू बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। ऊपर वाले को याद कर ले। सर मैंने अच्छी तरह तलाशी ली मगर एसडी कार्ड नहीं मिल रहा। एसडी कार्ड कहाँ छुपाया है? हैं? जल्दी बता। एसडी कार्ड कहाँ है? एसडी कार्ड कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अरे बोलना। अब्बास, ये बोलने वाला नहीं है। अब इसी का फोन इस्तेमाल करके इसके
बाप को बुला लेता हूं। गौतम, 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 छोड़ उसे, गौतम, 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 ए मारो उसे, छोड़ो उसे। आजा, आजा, हाँ, आजा। उसे जाने दे, पकड़ गौतम। नशे में धुत आईपीएस ऑफिसर गौतम की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। यह सब पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर ऐसा घिनौना इल्जाम। शे लेकिन उस एसडी कार्ड के बारे में किसी को नहीं पता था। समझ में नहीं आता उससे कैसे पता चल गया। इशिका, उस पिन की जगह तुमने बदली? नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने पिन वहां नहीं लगाई थी। अगर मैंने पिन को नहीं छुआ तो किसी और ने छुआ होगा। हो सकता है सिद्धार्थ ने। इशिका, इस पे जो फिंगरप्रिंट है उसकी जांच करो। हाय जानू। हे। मेरा आज का दिन खुशनुमा रहा। जरा इसे पकड़ो। अगर हमारे पास सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट्स होते तो काम बन जाता। ये लो, सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट्स तुम्हें इस बॉक्स पर मिल जाएंगे। तुम्हें यकीन है? यस, क्योंकि ये बॉक्स उसी ने मुझे दिया था और तब से अब तक मैंने इसे छुआ तक नहीं है। इसे लेते वक्त भी मैंने दस्ताने पहने थे।
ये तो मैच हो गए हैं। सिद्धार्थ का यहाँ आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो मुझसे डर गया है। इस तस्वीर में इस लड़की के ऊपर पिन क्यों लगाई है? ये तो 2010 की मिस इंडिया नैना है ना? ये है उस इवेंट की सारी तस्वीरें। ये लड़की तो प्रीति सरोगी है। प्रीति सरोगी? हाँ, सिद्धार्थ की माँ शुका है। तुम्हें ये पसंद आई? बहुत खूब है। मिस इंडिया विनर नैना इसके साथ स्विट्जरलैंड में थी और ये प्रीति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। कुछ गड़बड़ है, इन दोनों का जरूर कोई कनेक्शन होगा। ये देखो, मुझे लगता है विजेता चुनते वक्त कोई चीटिंग हुई थी। देखो ना, प्रीति को ज्यादा वोट मिले थे पर जिताया नैना को, इसलिए काफी सवाल उठाए गए थे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये मुकाबला मिस प्रीति सरोगी ही जीतेगी, और कोई है ही नहीं जो इसके आजू बाजू में खड़ी हो सके। विश्व सुंदरी तो ये ही बनेगी। नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मिस वर्ल्ड बनकर पूरी दुनिया घूमे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इशारों पर चले, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। दूसरे कंटेस्टेंट्स में कोई काम किया है कि नहीं देखो। आपको जिस तरह की लड़की की तलाश है वो है नैना। ये कॉन्टेस्ट वो ही जीतेगी। आखिरी राउंड शुरू होने ही वाला है, और प्रीति से कहना कि उसके पापा की मौत हो गई। क्या? उनकी मौत कब हुई? हुई नहीं है, हो जाएगी थोड़ी ही देर में, और मेरा ये काम इरफान कर देगा। कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि वो मेरे साथ मेरे प्राइवेट जेट में सफर करे। बस मजबूर कर दो उसे। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ध्रुवा, ये ईंट क्या है? सिद्धार्थ की तबाही। ओके लिसन, कमल 25 मीडियम बिल्ड, उसके पास एक एसडी कार्ड। सर, ये आपका नाश्ता और जो आपने लाने के लिए कहा। अखबार लाए हो ना? वहां रख दो। शुक्रिया।
ध्रुवा, ये चोट कैसे लगी? बताओ ना क्या हुआ, इतना खून? क्या होगा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना? पूछना फिजूल है, चली जाओ यहाँ से। ध्रुवा तुम, मैंने कहा ना जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सच क्या है ये जानने के लिए आज मैं 4 बजे प्रीति से मिलने वाली हूँ और मुझे यकीन है कोई सबूत जरूर मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे? हाँ बोलो, सबूत से क्या कर लोगी? अगले पल जान जाएगा। मेरी छोटी से छोटी चाल पर नजर रखे हुए है वो। गौर से पढ़िएगा। ठीक है बेटा। एक जरूरी काम याद आया, उसने कमल की जान ली, मेरे गौतम को जान से मार दिया उसने। कोई चीज मेरे काबू में ही नहीं है, वो सबको मुझसे दूर करता जा रहा है, उस हर एक इंसान को जिसका मुझसे कोई कनेक्शन है। पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ ना? खत्म होने के लिए क्या बचा है? जब तुमने मुझसे कहा कि अपनी ताकत के हिसाब से अपने दुश्मन को चुनो तो ये सुनकर मुझे तुम पर नाज हुआ। निशाना तो सही लगाया है लेकिन अब उस दुश्मन को पकड़ने का जुनून तुम्हारे सर पर हावी हो गया है। क्या हुआ ध्रुवा, तुम जिसे निशाना बना रहे थे अब खुद उसके निशाने पर हो। तुम्हें लगता है तुम उसे आसानी से पकड़ लोगे पर तुम भूल रहे हो कि वो तुमसे 4 कदम आगे है। अगर रवैया नहीं बदलाना तो कुछ नहीं होगा। नहीं होता है तो ना, अब तो खुश मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। जाओ। इतने बदल कैसे गए ध्रुवा? मैं जिस ध्रुवा को जानती हूँ वो इस तरह बर्ताव कभी नहीं करता मुझसे। क्या हो गया अचानक तुम्हें? मेरे हिसाब से कुछ पल आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुस्से से सारी बात बिगड़ जाएगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब नहीं कह रही हूँ ध्रुवा। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती इसलिए कह रही हूँ, समझो बात को। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी फैसला तुम्हारा है। ध्रुवा को जानती हूँ वो इस तरह बर्ताव कभी नहीं करता मुझसे। क्या हो गया अचानक तुम्हें? मेरे हिसाब से कुछ पल आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुस्से से सारी बात बिगड़ जाएगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब नहीं कह रही हूँ ध्रुवा। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती इसलिए कह रही हूँ, समझो बात। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी फैसला तुम्हारा है। सच क्या है ये जानने के लिए आज मैं प्रीति से मिलने भी वाली हूँ और मुझे यकीन है कोई सबूत जरूर मिलेगा। कॉल प्रीति। कैसे हो सिद्धार्थ? मेरे साथ लंच करोगी आज? खास वजह? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए खास वजह चाहिए। कितने बजे निकलना है? करीब 4 बजे। 4 बजे? मुझे मेरी एक दोस्त से मुलाकात करनी है। ठीक है, मैं घर आता हूँ, साथ मिलके खाना खाते हैं, क्या ख्याल है? तुम्हें जो पसंद है वो बनाती हूँ। लव यू स्वीटहार्ट। लव यू टू जानू। प्रीति का कत्ल करने वाला। क्या कहा? प्रीति का? हाँ। अरे ऐसी खबर देने से पहले कोई हिंट दे दिया करो, कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। उसे पहली बार देखते ही मैं अपना दिल हार चुका था, साम दाम दंड भेद से उसे हासिल किया था मैंने, क्या करूं, प्यार करता था और वो मुझे धोखा दे रही है, मुझसे झूठ बोलकर इशिका से मिलने जा रही है। अब ये तो बेवफाई हुई ना। झूठ बोलने की सजा में उठक बैठक करवाओ, चाहो तो मुर्गा बना दो, सीधा मौत का फरमान दे देना बहुत ज्यादा सख्त सजा नहीं होगी क्या? मुझे केक चाहिए था। केक? किसी की सालगिरह है क्या? लिखिए प्यारी इशिका। हेलो इशिका। बोलो। तुम घर आओगी, जरूरी बात करनी है। नहीं, जो भी बोलना है फोन पर बोल दो। प्लीज आओ ना। अरे ये क्या, बोलने का ढंग ही बदल गया। तुम सच में ध्रुवा ही बोल रहे हो ना? हाँ मैं ध्रुवा ही हूँ, घर आओगी तो सब बता दूंगा। ठीक है आती हूँ। बहुत बढ़िया, ध्रुव बाबू तो इश्क में होते खा रहे हैं, इशिका को अपने पास बुलाया है। ये तो अच्छी खबर है बेटा। इधर मैं प्रीति को मारने जा रहा हूँ और उधर वो इजहार इश्क कर रहा है। अपनी माशुका को खोने का दर्द क्या होता है जरा उसे भी तो पता चले। जैसे ही इशिका ध्रुवा से मिलने वाली होगी मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा, तब उसे मेरे दर्द का एहसास होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या? You are great, बाबा।
दो सुंदर लड़कियों की मौत का इल्जाम मेरे सर पर। अब्बास कहाँ हो तुम? ध्रुवा के घर के पास ही हूँ सर। ठीक है, मैंने सिद्धार्थ को देखा। एक और बार सर्जरी करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। ये सर्जरी तुरंत हो जाएगी। शिका की गाड़ी अंदर आ गई है सर। सर ध्रुवा के घर की तरफ जा रही है। अच्छी बात है, मेरे इशारे का इंतजार करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोलो बोलो ना, अब क्या हुआ तुम्हें? सर आपके हुक्म का इंतजार है। रुक जाओ। ध्रुवा क्यों बुलाया ये तो बताओ, अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, आज आईजी साहब के बेटे का बर्थडे है, मुझे इनवाइट किया है। क्या तुम साथ चलोगी? क्या सिर्फ यही कहना था, इसलिए बुलाया तुमने मुझे? अब हाँ सर, खत्म कर दूं? रुक जाओ। ठीक है, इसलिए तुम मुझसे इतना प्यार से बात कर रहे थे? तुम नाराज होकर चली गई थी तो नाराजगी दूर करना जरूरी था। सच क्या है? कौन सा सच? एक ही बात कितनी बार कहूं, नहीं आना चाहती तो मत आओ। तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया तो मुझे लगा तुम अपने प्यार का इजहार करने वाले हो, इसलिए दौड़ी चली आई। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब देखो प्यार की गुहार लगाती रहती हो, तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं सूझता? देखो प्यार करना मेरे बस की बात नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं होगा मुझसे। क्यों मेरे दिल को हमेशा ठेस पहुंचाते हो? मुझे सिर्फ एक वजह दो, क्यों तुम प्यार नहीं करते मुझसे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपने दिल की बात बताकर। छोड़ दो उसे। क्यों सर, क्या हो गया? जैसा कहा गया वैसा करो। नसीब वाली बच गई। अपने आप को समझते क्या हो तुम? ईशिका तुम अब तक यहीं खड़ी हो, चली जाओ यहां से। खाना बन गया। खुशबू अच्छी आ रही है। तुम्हारी आज की मीटिंग कैसी रही? कुछ खास नहीं, पर यह तो होता ही रहता है। मैं 4 बजे प्रीति से मिलने वाली हूँ, सिद्धार्थ की सच्चाई का पता लगाने के लिए।
हाँ एक और बात, देखो अब उस प्रीति से भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत मैं खुद इकट्ठा करूंगा, समझ गए तुम? वो प्रीति मेरे किसी काम की नहीं है। Now just leave me alone. ठीक है, तो फिर ऐसे ही अकेले रहो। क्या बात है इशिका? जरूरत नहीं है, मेरा मूड खराब है, मैं अभी मंदिर जा रहा हूं, बाद में मिलता। खोलकर सुन ले, मैं तुझे लिख कर देता हूं, तेरी मौत नजदीक आ रही है। मालूम कि तुम तक ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं, और अगर पहुंच भी गया तो पता नहीं उस वक्त तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। कहां गई? छोड़ो उसको, देखते ही खत्म कर देना। कमर, इन जानवरों ने मेरा बलात्कार किया है। मैं सच कह रही हूँ प्रीति, ये दस्तावेज मुझे मिस इंडिया कमेटी से मिले हैं, और तुम्हारे पापा की मौत की खबर तुम्हें जानबूझकर फाइनल राउंड के पहले बताई गई। तब वक्त हुआ था 7:15, लेकिन असल में उनकी मौत हुई थी 7:45 को। उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो करवाने वाला था सिद्धार्थ। तुम्हें पाने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया था। तुम्हारे बदले नैना को मिस इंडिया बनाकर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें है FIR और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और इसमें सिद्धार्थ के सारे गुनाहों का चिट्ठा है। उसने तुम्हें धोखा दिया है प्रीति। अक्षरा इनकी बेटी थी, इस फाइल में उससे जुड़ी सारी डिटेल्स हैं। मेरी बेटी अक्षरा बहुत ही खुश मिजाज थी, उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। कल CM की मीटिंग में ऐलान किया जाएगा कि जेनरिक दवाई नहीं आएगी, पहले वाला ही हुक्म माना जाएगा। मैंने सारी जानकारी आपको फैक्स कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अब जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया में आके रहेंगी। प्रीति, ये फाइल उस फाइल से बदल देना, बस इतना काम कर दो। शुक्रिया। ओहो, गाड़ी की चाबी। हाँ सर, कहिए। धीरज, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, बाबा को ले जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। CM साहब आ जाएं तो मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये सौदा जैसे भी हो होना ही चाहिए। अब्बास ने कबूल कर लिया है कि उसी ने अक्षरा का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया था और 4 बेगुनाह लड़कों को फंसा दिया। ड्रग्स के नशे में सारी सच्चाई उगल रहा है। मुझे ये जानकारी दीपक से मिली थी,
पर अब ना वो मैसेज पढ़ रहा है ना कॉल उठा रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये तो पता है कि अब्बास रामनगर में है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है पता नहीं चल रहा। लेकिन वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सिद्धार्थ की आवाज में इरफान को कॉल करके अब्बास के बारे में पूछूंगा। तुम पूरी तैयारी के साथ टीम लेकर वहां पहुंच जा। जो भी हो, आज अब्बास का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। कॉल अब्बास। ओए, आ गया फोन। कॉल इरफान। अरे कौन कमबख्त परेशान कर रहा है। हेलो, कहाँ हो? एक जरूरी काम में मसरूफ था सर। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तो रामनगर में मेरे घर पे आराम कर रहा होगा सर। ध्रुवा किसी भी वक्त तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर सकता है, और अभी कहाँ है वो जानने के लिए मेरी आवाज में तुम्हें कॉल कर सकता है। उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। अरे मुझे उल्लू कौन बनाएगा सर? मैं उसे उल्लू बना दूंगा। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। रवि सुनो, इरफान को कॉल मत करो। पता चल गया है कि अब्बास कहाँ है। वो इस वक्त मोइनाबाद के फार्म हाउस पर है। मैं निकल चुका हूँ, तुम भी अपनी टीम लेकर जल्दी वहाँ पहुँचो। कॉल इरफान। यकीनन उस फरीबी का ही फोन होगा। हेलो। ओए, तेरा भाई कहाँ है? रामनगर में या मोइनाबाद के फार्म हाउस में? अबे ओ धोखेबाज फरीबी, तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से उल्लू बना सकता है? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, यूं आवाज बदलकर किसी और को झांसा देना, तेरी चाल में मैं नहीं फंसने वाला। सीधे से बता तेरा भाई कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगा। कॉल धीरज चंद्रा। धीरज, मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। बाबा को लेके बाहर आ जाओ। देखिए, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने सब कुछ लिख दिया है। जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़िएगा। बेफिक्र रहो बेटा। बाबा, सर ऊपर। उसके बाद आईपीएस गौतम को जबरदस्ती नशा करा के मैंने ही उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और ये सब मैंने सिद्धार्थ के कहने पर किया है। माननीय श्री शाखा मंत्री श्री सत्यनारायण जी जेनरिक दवाइयों को लेकर कुछ ऐलान करना चाहते हैं। सबको मेरा नमस्कार। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब अपने आप से वादा किया था कि देश से बीमारियां भगाकर सबको स्वस्थ बनाऊंगा। क्या मैंने वादा निभाया? नहीं निभाया, ना ही निभाऊंगा। सरकार भी वादा पूरा नहीं करेगी। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास है? कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा बाजार में कौड़ियों के दाम बेचने के लिए एंजेलिना झोली भर कर आई थी। उसकी झोली फाड़ कर खुद की जेबें भर ली, और सीएम साहब ने बेचारी एंजेलिना को पंख लगाकर एंजेल बनाकर ऊपर वाले के पास भेज दिया। आवाम के मसीहा जैसे मंत्री गुंडे और मवालियों के हाथ की कठपुतली बन गए। सीएम और सिद्धार्थ के बीच सौदा हुआ था कि गरीबों को ये दवा नहीं मिलनी चाहिए, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। वो दस्तावेज मैं सीएम साहब के ऑफिस से ले आया हूँ। ये देखो, यही है वो कागज। जनता को लूटा जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? दिमाग तो ठीक है, खींच के नीचे उतारो। आज ये हम सबको मरवा के छोड़ेगा। हेलो, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, मेरा बेटा होनहार है, बहुत दूर की सोचता है। उसने कहा था जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ देना, वो कोई गलती नहीं कर सकता। वो पहुंच गया, निकला। अब्बास, 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 ओए, चलो उठ जा, उठ जाओ। नहीं बताऊंगा। ओए, क्या नहीं बताएगा? कुछ नहीं बताऊंगा। किसको नहीं बताएगा? अरे होश में आ कमजर्फ। अब्बास, अब्बास, ओए, उठ, मुंह खोल। अब्बास, अब उठ जा, पागल हो गया क्या? अब्बास, निकल। इसी वक्त गोली मार दूंगा। ठीक है, खत्म कर देगा। कर दे, कर दे, कर दे। अब्बास, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कर दे, करना। सच कहूंगा, गौतम को मैंने रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया, मगर गाड़ी से उसे उड़ाने वाला मैं नहीं था। वो था सिद्धार्थ।
इसे भी मार दिया। यही तो इस केस का इकलौता गवाह था। अब क्या हो गया धीरज, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? सर, आपके बाबा आपने दिया हुआ भाषण पढ़ने के बजाय कुछ और ही पढ़ रहे हैं। आपके सारे पोल खोल रहे हैं वो। ये कैसे हो गया? आपका काला चिट्ठा मीडिया वालों के सामने रख दिया है। सारे कार्यकर्ता गुस्से में हैं। एक काम करो, इससे पहले कि और कोई गड़बड़ हो, बाबा से कहो नाटक करे दिल के दौरे का, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और फिर मुझे फोन करो। ठीक है सर, ठीक। मैं आता हूँ। ओके। सिद्धार्थ एक ऐसी दवाई बना रहा है जिससे जो भाषण आप पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखा है, बदल गया है। बदल गया है? हाँ बदल गया है। किसने बदला भाषण? माइक बंद कर। थोड़ा सब्र रखिए। सब्र रखें? कैसे रखें? दिल के दौरे का नाटक करके यहाँ से निकली है। ऐसा मेरे बेटे ने कहा है। हाँ सर हाँ। मुझे दिल का दौरा पड़ा है। तरफ होता है। अच्छा ये भी बदल दिया। एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ, दिल का दौरा पड़ा है मुझे। चलो हटो हटो हट जाओ। चलिए चलिए। सीएम साहब मैं ठीक होकर लौटता हूँ, तब तक आप संभाल लो। जल्दी। मैं संभाल लूंगा। जेनेरिक दवाइयों के आने का ऐलान मैं सत्यनारायण से ही करवाना चाहता था, लेकिन वो ये घटिया हरकत कर बैठेगा पता नहीं था। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। मैं ये दावा करता हूँ कि कल ही जेनेरिक दवाइयाँ मार्केट में आ जाएंगी। फंस गया। ये देखिए आपके बाबा क्या पढ़ रहे थे। बेटा आ गए तुम। तुमने कहा तो दिल का दौरा पड़ गया, पता नहीं वरना क्या हो जाता। आप अंगूठा छाप है, दिखाई नहीं देता क्या लिखा है? तुम ही ने तो कहा था जैसा लिखा है पढ़ देना। गधे से भी कमकल है। बाप गधा तो तुम क्या हुए? बाबा तुमको देखता हूँ ना तो बचपन की कहानी याद आती है। कहानी याद आई मुझे नानी, सुनाओ ना। एक राज्य में एक राजा था। आगे पता है, उसके सात बेटे थे। तुम सुनाओ। जब इंसानों से उनका विश्वास उठ गया, वो एक बंदर लेके आ गए। खाइए। राजा ने उस बंदर को सब तालीम दी, एक सैनिक भी बनाया, अपनी सेना में रखा। वो बंदर 24 घंटे राजा की हिफाजत करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा गहरी नींद में थे तो एक छोटा सा मच्छर उनके ऊपर भिनभिनाने लगा। ऐसा क्या? उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन उस मच्छर को नहीं मार पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने ताव में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले में बैठे मच्छर को एक ही वार में उड़ा दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या वो तलवार के वार से भी नहीं मरा? ओहो, गजब का मच्छर था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है? सीएम साहब के पीए का फोन था, वो चाहते हैं कि आपके बाबा इस्तीफा दे दे वरना वो खुद ही उन्हें निकाल देंगे। बोलो ध्रुवा। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान का कत्ल कर दिया है। एक खबरी के पास इस बात का सबूत है, उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आज रात मिलकर हमें सबूत दे देगा। इसके अलावा उसके खिलाफ और भी कई सबूत हैं। इसीलिए मुझे आपसे सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने की इजाजत चाहिए सर। क्या सिद्धार्थ अभिमन्यु को गिरफ्तार करोगे? वो मामूली इंसान नहीं है, उसका बाप एक MLA है और वो साइंटिस्ट। सर आप लेटेस्ट अपडेट नहीं जानते, रूलिंग पार्टी उसके बाप के खिलाफ है, आप चेक कर लीजिए। खबर पक्की है? जी सर। सर ध्रुवा सिद्धार्थ को गिरफ्तार करना चाहता है, क्या इसकी मंजूरी दूं? ठीक है सर, अगर पुख्ता सबूत हैं तो तुरंत गिरफ्तार करो उसे, और जो भी सबूत है एक बार सीएम साहब को दिखा दो। जी बिल्कुल सर, मैं तैयारी कर लेता। अरे अब्बास, मेरे भाई की यह हालत किसने की है? किसने कत्ल किया है इसका? अब्बास आगे खोल बेटा। इरफान। सर उसने मेरे भाई का खून कर दिया। सर मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मारने वाला है। वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस मेरा एक काम करो। फरमाइए सर। मेरे बाबा का स्वर्गवास करा दो। बाबा को मार दे? वो क्या है कि वो दलदल में फंस गए, उन्हें बचाने के चक्कर में हम भी डूब जाएंगे। काम होने के बाद मुझे इत्तला करना। ठीक है सर।
सर, जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने आपके बाबा को जन्नत पहुंचा दिया है। ठीक से जन्नत पहुंच गया ना, तुमने देख लिया ना? मेरी नजरों के सामने जलकर खाक हो रहे हैं। हाँ, मैंने फाइल देख ली है, सब कुछ ठीक ही है। नमस्कार। अब पछताने से क्या फायदा, ये तो तब सोचना चाहिए था। आपने मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो क्या, उसकी बेहूदगी पर तालियां बजाऊं? वो बकवास करता रहे और मैं सुनता रहूं? ये मेरी अच्छाई है जो उसे सिर्फ सस्पेंड किया है मैंने, वरना इससे भी बड़ी सजा उसे देने वाला था। इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है सर? आपने तो मेरे बाबा को जान से मार दिया। क्या, मैंने तुम्हारे बाबा को? सुनिए, आप जरा थोड़ी देर के लिए। सब लोगों ने सुना था। अरे खड़े क्या हो, ले जाओ इन्हें। मेरे बाबा को सजा देने की बात की, तेरे बाबा का खून मैं क्यों करवाऊंगा? सच में तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मजाक कर रहे हैं सर, आप ही ने उनको मरवाया और आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके खिलाफ तो सिर्फ दो ही चीजें बोली थी बाबा ने, और आपने उनकी कार को ट्रक से उड़ा दिया। कार के साथ तो बाबा भी जल के खाक हो गए। तुम ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अरे बेवजह नहीं बोल रहे, ट्रक के ड्राइवर ने ऐसा बोला, उसने कहा कि सीएम का हुक्म था। अरे सत्यनारायण से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैंने ही उसे टिकट देकर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। जानता हूँ मैंने मरवाया है। मेरे नाम का कोई वारंट इश्यू हुआ है। वो सब लोग बोल रहे थे इसलिए। लोग कुछ भी कहेंगे और आप कर देंगे, 57 MLA आपकी सरकार में मेरे इशारे पर चलते हैं, बताइए क्या कीजिएगा? वारंट इश्यू करेंगे। तुमने अपने ही बाप का खून कर दिया। मजबूर था, आपको समझ में नहीं आया ना? आज से 20 साल पहले जो आपने कत्ल किया था, आपको क्या लगा मैं उस वजह से जेल गया था? याद है, मैंने गुस्से में उसका सिर टेबल पर पटक दिया, ऐसे में एक कांच का टुकड़ा उसके गले में। आपने जब वो हरकत की थी तभी फैसला कर लिया था कि बाबा MLA बनेंगे, और मैंने जेल जाने का इरादा बना लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था, जिंदा था तब भी। मैंने सोचा था कि जब तक वो मरेगा नहीं मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपने पैरों से उस कांच के टुकड़े को उसके गर्दन में घुसेड़ दिया। मौके का फायदा उठाना मुझे अच्छी तरह आता है, और अगर वो मौका हाथ से फिसलने लगे तो उसे बचाना भी आता है। अब मुझसे क्या चाहते हो? बाबा की कुर्सी पर मेरा चुना हुआ आदमी बैठेगा, जेनरिक मेडिसिन्स की जो भी डीलिंग्स होगी वो सब मेरी मंजूरी से होगी, और अगर गलती से कोई सबूत मिले पहले आप मुझे बताइएगा। बाबा की अस्थियों को 21 तोपों की सलामी देकर पूरे शानो शौकत के साथ विदाई देनी होगी। देखो, यहाँ की जनता का मुझ पर भरोसा बैठा हुआ है, उस भरोसे के साथ खिलवाड़ कैसे करूं? इतने साल जो आपने धोखा दिया है तब तो नहीं सोचा आपने, अब सोचने का क्या फायदा? झूठ सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसका सच से सामना नहीं हो जाता। पोजीशंस। बीस साल पहले तुम्हारी हरकत देखकर मैं डर गया था कि इस देश का क्या होगा, पर इस नौजवान को देखकर लगता है कि सब अच्छा ही होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं, और उसकी दवाई बहुत महंगी होती है। कुरोची नाम के सी वीड्स के बीज से इसकी दवाई बनाई जा सकती है, वो भी कम दाम में, और ये डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी खोज मैंने की है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला चुरा कर विदेश में दवाई बेचकर पैसे कमाना चाहता है, और ऐसा करके वो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस दवाई की जरूरत हमारे देश को ज्यादा है। पैसे कमाने के लालच में उसने टेस्टिंग पूरी किए बिना ही 18 बच्चों पर उस दवाई का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मौत हो गई, और ये राज दुनिया के सामने ना आए इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है,
और सिर्फ यही एक सबूत है उसका पर्दाफाश करने का। इस गुनाह को अंजाम देने के लिए अब्बास ने सिद्धार्थ का साथ दिया, बदले में उसे भी मौत मिली। धीरज चंद्रा, जैन सूर्य और इरफान अली, इन सब के साथ मिलकर सिद्धार्थ हमारे देश को बर्बाद कर रहा है सर। ये उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। जी जनाब, मैंने सारे रिपोर्ट्स खुद देखे, इन्होंने जो कहा सब सच है। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस मसले पर सफाई नहीं दी तो तय हो जाएगा कि आपने जुर्म कबूल कर लिया है। ये अदालत आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाने का हुक्म देती है। मिस्टर ध्रुआ, इन्हें ले जाइए। ठीक है सर। फोन देना। सर यहाँ इसकी इजाजत, रहने दो। ठीक है, कल शाम की जो मीटिंग है उसे मेरी तरफ से फिक्स कर दो। तुमने उसको गिरफ्तार किया, कैसे मारना है हम पे छोड़ दो। दर्दनाक मौत देंगे उसे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गौतम को बेईमानी से मारा है, उसके लिए मौत की सजा भी कम है। हाँ दोस्त, उसे किस जगह मारना यह भी तय कर लिया है। कल कचहरी जाते वक्त तू हिमायत नगर की तरफ गाड़ी मोड़ लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। एस मीन्स सिद्धार्थ, मैं चाहता हूं हमारी बात कोई ना सुने। वैसे वो ट्रांसमीटर कमाल का था। शायद उस ट्रांसमीटर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। बिल्कुल विजय, प्लीज तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। सौदा? अब आए हो लाइन पे। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? 100 करोड़, 200 करोड़? 200 करोड़? अक्षरा ने जिस दवाई की खोज की थी उसे हासिल करने के लिए तुमने उसे मार दिया। अब उस दवाई का पेटेंट मैं उसी के नाम दर्ज करने वाला हूं। उसकी मेहनत का फल उसे मिलना ही चाहिए। कौन सा फल? वो मेरी इजाद थी, उसे तो फॉर्मूला तक पता नहीं था। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या जो पेटेंट ही बदलवा दोगे? दुनिया का अव्वल दर्जे का साइंटिस्ट बनना था मुझे, इसीलिए मैंने उसे ढूंढा। मालूम है, उसने नहीं कहा, मैंने कहलवाया था। इस दवाई की खोज सिद्धार्थ नहीं की है, लेकिन पैसा कमाने के लालच में वो फॉर्मूला विदेशों में बेच रहा है। मैंने सिद्धार्थ को ऐसा करने से बहुत रोका, पर उसने मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया। मैं अपना मुंह ना खोल दूं इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। वैसे उस लड़की ने तो सच ही कहा था, बस मैंने उसे थोड़ा बदल दिया और ऐसे ही मैंने तुम्हारी खोज को उसकी खोज बना दिया। गेम अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इस गेम में मेरी तरफ से तुमको मिला 0.00001%। शायद तुम अब तक ठीक से समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे तुम्हें 8 तरीकों से तबाह करना था, तो वो मैंने कर दिया। शोहरत, अकल, ताकत, जज्बात, हौसला, दौलत, अच्छाई, सब तबाह कर दिया। अष्टदिग बंधनम, जो शोहरत तुमने कमाई थी उसे खत्म करने के लिए अक्षरा के केस में मैंने एक छोटी सी चाल चली। मेरा पहला वार शोहरत, तुम खुद देख लो। उसकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान गई है, सत्यानाश हो उसका। वो नामाकूल कहीं दिखा तो इसी झाड़ू से पीटूंगी। तुम अपनी साइंटिस्ट की पहचान भी खो चुके हो, मैंने पेटेंट राइट्स बदल दिए। दूसरा वार अकल, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है बल्कि एक गुनहगार है, उसे तो सरे बाजार फांसी देनी चाहिए। कल तक जो MLA से लेकर CM तेरे पीछे दुम हिलाते थे, आज वही लोग तुझे काटने को दौड़ते फिर रहे हैं। यह तीसरा वार ताकत, वो तो ऐसे ही एक दिन मुलाकात हो गई, इसलिए कुछ देर उनसे बात कर ली। तो क्या इसका मतलब मेरा खास दोस्त हो गया? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके खिलाफ जो भी केस बनाना है बना के उसको अंदर कर दीजिए। नंबर 4 जज्बात, प्रीति को धोखा देकर तूने फंसाया, लेकिन मैंने उसे सच बता दिया है और अब वो भी तुझसे दूर हो गई है। 5वां वार तेरा हौसला, तू जुर्म करने के बाद कभी डरा नहीं, मैं तेरे दिल में कानून का डर बिठाना चाहता था। अब सिद्धार्थ हमसे डरेगा। तू डर गया था ना, इसीलिए वो ट्रांसमीटर फिट करवाया। मेरा खौफ था इसीलिए मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। वैसे क्या कहा था तूने? 200 करोड़ देगा। अब 1 रुपया भी चाहिए तो मेरी दस्तखत की जरूरत पड़ेगी। तेरे नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंट सीज हो गए हैं। ये है 6ठा वार दौलत, जरा सा प्रेशर पड़ने पर तू इंसान से जानवर बनता है, फिर तुझे खुद होश नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है, जोश में होश खो बैठा।
ये है सातवां वार अच्छाई। सर जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने आपके बाबा को जन्नत पहुंचा दिया है। ठीक सर जन्नत पहुंच गया ना, तुमने देख लिया ना? मेरी नजरों के सामने जलकर खाक हो रहे हैं। तू जानता है 21 बंदूकों की सलामी और पूरी इज्जत के साथ तू किसकी अस्थियों के सामने झुका था? वो अस्थियां थी मेरे दोस्त आईपीएस गौतम की, जिसे तूने मार दिया। तेरे अलावा सभी जानते थे कि वो अस्थियां गौतम की है। इससे पहले कि तू अपना जहर और फैलाता तुझे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी था और इसीलिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। अब तेरा वजूद 0.0001% भी नहीं बचा है, तू सिर्फ जीरो है। आठवां क्या होगा ये मैं जानता हूं, मुझे खत्म करने का कोई प्लान? ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं? वो तो ऊपर वाला फैसला करेगा। जानता है कोर्ट में तू किसके खिलाफ मुंह खोलेगा? इसके डर से तेरे दोस्त, मिनिस्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स सबके निशाने पर है तू। ये भी कहा नहीं जा सकता कि तू वहां जिंदा पहुंचेगा या नहीं, और अगर जिंदा पहुंच भी गया तो तुझे 2 बार उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अब तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। तो क्या अब हम अपना सौदा पूरा करें? उसे मारने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मेरी बात समझो, उसे जिंदा रहना होगा। क्या उसे जिंदा छोड़? उसने हमारे गौतम को जान से मारा यार। मैं उसे ढूंढ रहा था जिसे खत्म करके मैं 100 मुजरिमों को खत्म कर सकूं, और यही वजह थी कि मैंने सिद्धार्थ को चुना था। लेकिन अगर सिद्धार्थ को कुछ हो गया तो उन गुनहगारों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिद्धार्थ का कनेक्शन हर नेशनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल से है, मुझे उन सब का पता लगाना है। और हमारे गौतम ने भी इसी सपने के लिए कुर्बानी दी थी। अगर हम मकसद भुलाकर सिद्धार्थ से गौतम का बदला लेंगे तो गौतम की कुर्बानी बेकार जाएगी। आज तक तुम सब के सब मेरी हर एक बात पर भरोसा करते आए हो ना, इस बार भी भरोसा करो। ये खास तुम्हारे लिए मंगवाई बुलेट प्रूफ जैकेट है। सौदा बहुत ही सीधा है, तुम्हारी जिंदगी और आजादी मेरी जिम्मेदारी होगी। शहर के बड़े बड़े मुजरिम जो हमारी पुलिस फोर्स से भी नहीं डरते, वो आज तुमसे डर रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनके सारे राज, उनके कनेक्शंस, उनके सारे सबूत तुम्हारे पास है, और वो मुझे चाहिए। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, जब बाहर जाओगे तो हमारे डिपार्टमेंट का बेस्ट शूटर तुम्हें शूट करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर तुम उन सब की नजर में मर जाओगे जिन्हें तुमसे खतरा है। सरकार की मदद से तुम्हें हर तरह से महफूज रखना इसके आगे मेरी जिम्मेदारी होगी। देश को धोखा देने वाले बेहिसाब वीआईपीज़ को बेनकाब करने में तुम हमारी मदद करो, बदले में अपनी जान बचा लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जरा 5 मिनट देना। शो। बेटा कैसे हो? खुद को तुमसे बचाने के लिए पुलिस का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सबको मारकर तुम अकेले जीकर क्या करोगे? इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, इंसान के ही दुश्मन बनोगे तो अकलमंदी का क्या फायदा? बचपन से तुमने जो भी कहा मैंने सब माना। आज तुम मेरी एक बात मान लो बेटा, ध्रुवा कहता है तो जैकेट पहन लो, उसी में सबकी भलाई है। सिद्धार्थ की एक गवाही से कई सारे नेताओं का पर्दाफाश होने वाला है। देखते हैं आज कोर्ट में क्या नतीजा निकलता है। दरवाजा खोलो। गुड चॉइस। चलो रणवीर। बोल ध्रुवा। तैयार रहना, टेक पोजीशन। ठीक है।
तुम्हें यकीन है ये बुलेट प्रूफ जैकेट ही है? घबराओ मत सिद्धार्थ, ये बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हें स्नाइपर्स की गोली से बचाने के लिए काफी होगा। चलो देखते हैं। जहां हमारा ऑफिसर है वहां खड़े हो जा। उस निशान तक पहुंच जाओगे तो मेरा शूटर तुम्हें शूट करेगा। रेडी? शिकार निशाने पे है। आती हुई मौत से कोई नहीं बच सकता। बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। ने मार दिया और तुम दुश्मन होने के बावजूद बचा रहे हो। सिद्धार्थ, यह आर्ट का खेल यहीं खत्म होता है। आठवीं मौत ही है जो कभी नहीं टलती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हें चिंता किस बात की है? मैं मर जाऊंगा इसलिए या सबूत नहीं मिलेंगे इसलिए? जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया। पूछो कैसे। सिद्धार्थ, ये बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है। याद करो, सोचो। बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बुलेट प्रूफ जैकेट, काश तुम मेरे दुश्मन नहीं दोस्त होते। जो तुम्हें चाहिए था मैंने दे दिया। किसी भी सरकार के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि आज पुलिस ने बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के काले कारनामों का पर्दाफाश किया है और इस काम को अंजाम दिया है एसीपी ध्रुवा ने। पूरे देश को उन पे बहुत नाज है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ के साथ इस तरह मुलाकात होगी। मुझे आज भी याद है, 15 साल के बच्चे को पुलिस हथकड़ी पहना कर ले जा रही थी। उस दिन मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई थी। जब सिद्धार्थ ने सुर्खियां बटोरनी शुरू की थी तब मैंने उन्हें एनालाइज करना शुरू किया था। गंदगी में रहकर नाक को बंद करके ये सोचना कि बदबू नहीं है, क्या ऐसा करके खुद को धोखा देना सही है? या हिम्मत जुटाकर नाक से हाथ हटाकर गंदगी को साफ करना चाहिए? बचपन में अपने आप से जो सवाल किया था, आज आखिर उस सवाल का जवाब मिल गया।